वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखो, कल हमने प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन स्टार्ट किया था, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन परम्यूटेशन के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन को भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से भी टाइम वैल्यू मनी का स्टार्ट करेंगे। और कल जो ज्योति मैडम की क्लास होनी थी वो तो नहीं होगी, कल लॉ की क्लास, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैथ की कल भी कर देंगे, ताकि मैथ में फिर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो क्लास के बाद डिसाइड करेंगे जैसा भी होगा। अभी फिलहाल जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग दो क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी। नंबर वन, इफ द वर्ड कंजीनियल, इफ द वर्ड कंजीनियल इज रिटन इन डिफरेंट वेज, फाइंड प्रोबेबिलिटी नंबर वन वोवल्स आर टुगेदर। फाइंड प्रोबेबिलिटी वोवल्स आर नॉट टुगेदर। फाइंड प्रोबेबिलिटी वोवल्स ऑक्युपाई odd places. Find probability vowels occupy even places. तो कल इस टाइप के हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, और मैंने आपको बोला था कि ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। If the word congenial, congenial, if the word congenial is written in different ways, सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे n की वैल्यू। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो आप देख लो जी, हमारा वर्ड है सी ओ एन जी आई एन आई ए एल। एन का मतलब हो गया, मान लो सारे लेटर अलग अलग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सारे अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 9। लेकिन आप देखो इसमें आई दो बार ही आ रहा है, और मेरा ख्याल n भी दो बार ही आ रहा है, i दो बार ही आ रहा है, n दो बार ही आ रहा है, तो n की वैल्यू टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। a का मतलब क्या है, हमारी फेवर में कितने आउटकम्स है। हमारी फेवर ये है, वो कह रहे हैं जी ऑल द वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स क्या है, ओ आई आई ए, सारे के सारे वोवल्स टुगेदर हैं। हमने लिखा सी एन जी एन एल, 1 2 3 4 5, इसको एक मानेंगे 6, ये हो गया जी फैक्टोरियल 6, लेकिन हमारा n दो बार ही आ रहा है। जब वोवल्स को प्लेस करेंगे सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन i दो बार ही आ रहा है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। वट इज द प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं जी a अपॉन n, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी कैंसिल हो गया, हम कहेंगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 9। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा जी फैक्टोरियल 6 एज इट इज, 4 की वैल्यू 24, और फैक्टोरियल 9 का मतलब है, देखो पहला क्वेश्चन मैं डेली बहुत आराम आराम से करता हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में ना आए,
इसको जब सिंप्लीफाई करोगे फैक्टोरियल 6 एज इट इज, 4 का मतलब है 24, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1/21। केवल मेरे को वो बच्चे बताएंगे जिनका ये पहले वाला पार्ट गलत है। ऑल द वोवल्स आर टुगेदर, हमारा आंसर होना चाहिए 1/21। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसका ये वाला पार्ट गलत है? कैन आई प्रिज्यूम सबका ठीक है? अब हमने कहा जी वोवल्स आर नॉट टुगेदर, हम करेंगे 1-1/21, ये हो जाएगा जी 20/21। वोवल्स आर नॉट टुगेदर, हम कहते हैं जी 20/21। पार्ट नंबर 2 में तो कोई गलती होने का मतलब ही नहीं है। हमारा पार्ट नंबर 3 है ऑल द वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। देखो इसको एक बार ही दोबारा से ध्यान से देख लीजिए। हमारा वर्ड था कंजीनियल, टोटल प्लेसेज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे वोवल्स हैं ओ ई आई ए, वो कह रहे हैं वोवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेज। ओड प्लेसेज है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओड प्लेसेज है 1, 3, 5, 7, 9। ये जो मेरे चारों वोवल्स हैं ये ओड प्लेसेस पे आएंगे, तो ओड प्लेसेज है 5। इन 5 में से 4 वोवल्स लिखे जाएंगे और हमारा रिपीट तो कोई भी नहीं हो रहा इसमें। ओ ई, अच्छा यहां पे ई था, अच्छा कंजीनियल नहीं, सी ओ एन जी यहां पे ही था ना, आई था, कोई बात नहीं ये कर देते हैं। तो हमने वर्ड लिख दिया जी, कोई बात नहीं, कंजीनियल। तो ओ आई आई ए, दिस इज ओ आई आई ए। फैक्टोरियल 2, 5 प्लेसेस पे 4 वोवल्स आएंगे। अब हमारे 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो चुके हैं, रिमेनिंग प्लेसेस रहेंगे 5, और उन 5 प्लेसेस पे 5 वर्ड लिखे जाएंगे, एक तो सी, एक एन, फिर एन, फिर जी, फिर एल। 5 प्लेसेस पे 5 आएंगे, एन 2 बार ही है, फैक्टोरियल 2। ये हो गया जी ए की वैल्यू, और एन की वैल्यू थी फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, हमने किया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 5 एज इट इज हम करते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, और दैट कैन बी कैंसिल होके बता दीजिए क्या आंसर आ गया आपको। बोला फटाफट पर क्या आंसर आ रहा है, 1/ द्वारा से देख लो जी 15, और ये हो गया जी हमारा 3, और ये हो गया 5। वी कैन से 5/126। ये हमने क्वेश्चन कल किए थे और मैंने आपको बोला इस तरह के क्वेश्चंस के ज्यादा स्कोप होता है आने का। तो मेरे ख्याल इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। दूसरी बात है जो मैंने आपको पहले दिन 100 क्वेश्चन दिए थे मैंने उसकी आंसर की भी आपको भेजी है, और क्योंकि मैंने रात को काफी लेट बनाई थी तो मॉर्निंग में ना मैंने देखा शायद एक आधे क्वेश्चन में ना गलत आ रहा है उसका आंसर। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना और अपना चेक करके देख लिया करो कि कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, और साथ के साथ करते जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन आपको जस्ट टू स्टार्ट विद आराम आराम से आपके साथ किया। अब देखो जी क्वेश्चन करेंगे, इफ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, इफ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 2, 3, 7, 9, 8, फाइंड प्रोबेबिलिटी नंबर इज
less than 3700. What is the possibility जो मेरा नंबर बनेगा वो 3700 से छोटा होगा. Find probability number formed is less than 3700. कल हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही था और लास्ट क्वेश्चन हमारा था जब हमने जीरो को इंट्रोड्यूस किया था. सबसे पहले एन की वैल्यू क्या होगी, फोर डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5, पांच में से कोई भी फोर डिजिट लेंगे तो दिस इज 120. एन की वैल्यू 120. ए की वैल्यू है मेरा जो नंबर बनेगा 3700 से कम होना चाहिए. ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. सबसे पहले 1000 प्लेस पे मैं 3 लिखता हूं. अब देखो 10 प्लेस पे क्या होना चाहिए, ओनली 2, यहां पे जो मर्जी आ जाए. यहां पे मैं लिखता हूं जी 2, यहां पे तीनों नंबर जो मर्जी आ जाए, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन बनती नहीं है. तो पहले वाली ऑप्शन क्या है जी, 1000 प्लेस पे लिखने के लिए एक ऑप्शन है, 100 प्लेस पे लिखने के लिए एक ऑप्शन है. दो ऑप्शंस को हम यूज कर चुके हैं और बाकी रहेगी जी तीन ऑप्शन, बाकी रहेगी दो ऑप्शन 6. नेक्स्ट वाला है जी, यहां पे लिखने के लिए एक ऑप्शन है, बाकी हमारी रहेगी जी 4 ऑप्शन, जिसको जहां मर्जी लिखेंगे. ये हो गया जी 24, टोटल वैल्यू आ जाएगी 30. ए की वैल्यू 30, एन की वैल्यू 120, प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया जी 1/4. ये शायद हमने जो लास्ट क्लास में सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का किया था, लेस देन 3700, लेस देन सम अमाउंट निकालना है. तो क्या मैं मान सकता हूं सबका ठीक है या किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है? बहुत बढ़िया. अब देख लो जी, जीरो वाला और करके हम इसको थोड़ा एडवांस स्टेज पे लेके जाएंगे. तो हमने किया जी, फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 0 3 5 7 8 9. फोर डिजिट का कोई भी नंबर बनाया गया है विद द डिजिट्स 0 3 5 7 8 9. फाइंड प्रोबेबिलिटी नंबर इज ग्रेटर देन 5300. फाइंड प्रोबेबिलिटी नंबर इज ग्रेटर देन 5300. सबसे पहले n, n का मतलब है जब हम चार डिजिट का नंबर बनाएंगे, यूनिट 10, 100, 1000. 1000 प्लेस पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरो नहीं लिख सकते, तो हमारा नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, पांच में से कोई भी नंबर आ जाएगा. सेकंड प्लेस पे पांच में से कोई, चार में से कोई, तीन में से कोई, और ये मेरा आ जाएगा जी 300. एन की वैल्यू 300. आई वॉन्ट ए, मेरा जो नंबर आना चाहिए लेस देन 5300. 1000 प्लेस पे 5 नहीं लिख सकता, 7 नहीं लिख सकता, 8, 9 कुछ नहीं लिख सकते. तो 1000 प्लेस पे ओनली एंड ओनली एक ऑप्शन लिखी जाएगी. अच्छा, ग्रेटर देन है सर, तो ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5000 का मतलब है जी, देख लीजिए, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. सबसे पहले 1000 प्लेस पे लिखने के लिए एक ऑप्शन है 5. देखो पहले मैं टेबल बना देता हूं. जब आप टेबल बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा जी, या तो मेरा नंबर होना चाहिए 5300 समथिंग, या हमारा नंबर होना चाहिए जी 5700 समथिंग,
एक बार बोल दो क्या क्या डिजिट थे, दोबारा बोल दो डिजिट क्या थे सर। 0503789 करेक्ट है। चलो n की वैल्यू आपने की थी जी, दोबारा करता हूं मैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यहां पे जीरो नहीं आएगा, पांच में से कोई, फिर पांच में से कोई, फिर फोर, फिर थ्री, और ये हो गया जी 300। ए की वैल्यू क्या है, या तो 5300 समथिंग, 5700 समथिंग, 5800 समथिंg, 5900 समथिंग, या 7000 समथिंग, 8000 समथिंग, और या फिर हमारी होती है जी 9000 समथिंग। तो सबसे पहले देखो जी, 1000 प्लेस पे लिखने के लिए एक ऑप्शन है 5, यहां पे लिखने के लिए 1 2 3 4, चार में से कोई भी ऑप्शन है। दो ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 में से दो ऑप्शन यूज हो गई है, बाकी चार, बाकी तीन, 48। नेक्स्ट हो गया जी, 1000 प्लेस पे लिखने के लिए तीन ऑप्शन है, और छह में से तीन एक ऑप्शन यूज होगी है, बाकी पांच, बाकी चार, बाकी तीन, 180। टोटल हो गया जी 208। ए की वैल्यू 228। तो ए की वैल्यू 228 और एन की वैल्यू होगी जी हमारी 300। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी 228 अपॉन 300, इसको जितना कैंसिल हो सकता हो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा लॉजिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है। और जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि नंबर सिस्टम में हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो नंबर सिस्टम के हमने कल भी क्वेश्चन करने की कोशिश की और आज भी आपके सबके क्वेश्चन ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस बेसिस पे आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद देख लो जी, हाफ एन आवर तक मैं दो कॉन्सेप्ट करूंगा, आप ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारा पेपर बहुत मुश्किल आता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं। अभी परम्यूटेशन चल रहा है, इसके बाद कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का बेस करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है जी, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, ए एंड बी स्टैंड इन ए क्यू विथ 5 more persons, फाइंड प्रोबेबिलिटी ओनली 3 persons आर इन बिटवीन ए एंड बी। मैंने आपको बोला था हमारी बुक में चैप्टर नंबर 16 सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक, वो पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए और बी कोई भी दो फ्रेंड है, उनके साथ 5 आदमी और हैं और वो एक लाइन बना के खड़े होते हैं। हम ये मान के चलते हैं, देखो इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए जिसको भी डाउट है। आप मान लो इंस्टीट्यूट में अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए गए, ए और बी आप दो फ्रेंड थे, वहां पे 5 आदमी और खड़े हुए थे, मान लीजिए जी P1, P2, P3, P4, P5। आपने जैसे ही फॉर्म देना चाहा तो जो वो कंसर्न पर्सन था उसने कहा सर सारे के सारे लाइन में आ जाओ, तो आपने फटाफट लाइन बना ली जी, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी लाइन में लग गए। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए और बी के बीच में 3 आदमी लाइन में खड़े होंगे? तो सबसे पहले एन की वैल्यू देखो जी, एन क्या है, टोटल आदमी है 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 आदमी एक लाइन में खड़े होंगे तो कितने बेज में होंगे, फैक्टोरियल 7। ए क्या कह रहे हैं, ए कह रहे जी 3 आदमी इन दोनों के बीच में खड़े होंगे, तो मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं जी, मान लो ए यहां पे खड़ा है, पहले आप थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए फिर इसका शॉर्टकट करेंगे,
और तीन जगह छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 बी यहां पे खड़ा होगा। या तो ऐसा हो सकता है ए यहां पे खड़ा होगा, 1, 2, 3 बी यहां पे खड़ा होगा, या तो ये हो सकता है ए यहां पे खड़ा होगा, 1, 2, 3 बी यहां पे खड़ा होगा। इसके अलावा तो हो नहीं सकता क्योंकि भाग तो सब कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं जी, पहले वाला केस देखो जी, या तो यहां पे ए या तो यहां पे बी, या तो उल्टा भी हो सकता है, यहां पे बी यहां पे ए, तो फैक्टोरियल टू वेज में ए और बी खड़े हो सकते हैं। फैक्टोरियल टू वेज में या तो लेफ्ट साइड में ए राइट साइड में बी, या तो लेफ्ट साइड में बी राइट साइड में ए, और बाकी जो पांच लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो फैक्टोरियल पांच वेज में जहां मर्जी खड़े हो सकते। ऐसे हमारे टोटल 3 केसेज है, ऐसे हमारे टोटल 3 केसेज है। तो ए की वैल्यू क्या आगी, 3 × (2, 5) और एन की वैल्यू क्या आगी जी, 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, हम करते हैं ए अपॉन एन। ए का मतलब है 3 × (2, 5) और एन का मतलब है 7। हम कहते हैं 6 × (5) और ये होता है 7 × (6) × (5) टोटल आ गया जी 1/7। 1/7 इज द पॉसिबिलिटी, इन दोनों के बीच में 3 आदमी खड़े होंगे। 1/7 इज द पॉसिबिलिटी, इनके बीच में 3 लोग खड़े होंगे। हां जी सर, यहां पे ए है तो यहां पे बी हो गया, न्यूमरेटर में ये 3 का 3 हो गया सर, फैक्टोरियल 2 का 2 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉरी वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1/7। अच्छा मैं चाहूंगा केवल आप एक क्वेश्चन करो, ये वाले क्वेश्चन हो गए थोड़े से पुराने, अब आजकल नए क्वेश्चन क्या चल रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा क्वेश्चन आप और कर लो। आप कहते हो जी ए एंड बी स्टैंड इन ए लाइन, लाइन कह लीजिए क्यू कह लीजिए एक ही बात है, ए एंड बी स्टैंड इन ए क्यू विद 6 more persons, फाइंड प्रोबेबिलिटी ओनली 4 persons आर इन बिटवीन A and B. What is the possibility A और B के बीच में टोटल 4 आदमी खड़े होंगे? देखो मैंने आपके साथ साथ किया तो हमारा क्या है जी, एक तो ए है एक बी है, इसके अलावा 6 आदमी हो रहे हैं, टोटल 8 आदमी लाइन में खड़े होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जब 8 आदमी एक लाइन में खड़े होंगे तो फैक्टोरियल 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वो कह रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी 4 persons आर इन बिटवीन ए एंड बी। तो हमने पहला केस माना जी, मान लो यहां पे ए होगा, 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, यहां पे बी हो जाएगा। दूसरा केस माना, मान लो यहां पे ए होगा, 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, यहां बी होगा। यहां पे ए होगा, 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, यहां पे बी होगा। टोटल केसेज हो जाएंगे 3, फैक्टोरियल 2 × (6). टोटल केस हो जाएंगे 3 × (2 ×6) और एन की वैल्यू है मेरे भैया 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए अपॉन एन, अगर हम करते हैं ए अपॉन एन 3 × (2 ×6)/8, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3 × (2 ×6), 8 × (7 ×6), 2 × 4, आई विल से 3/28। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है
तो क्या हम लोग कॉन्फिडेंटली उसको कर पाएंगे या भी डाउट है, क्योंकि ये वाली टाइप ना थोड़ी सी एडवांस है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब नए नए क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं जो आपको किसी बुक में मिलेंगे भी नहीं, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, आप मेरे साथ साथ करो। आपने लिखा जी इफ द वर्ड कॉमर्स इज रिटन, इफ द वर्ड कॉमर्स इज रिटन इन डिफरेंट वेज, फाइंड प्रोबेबिलिटी थ्री लेटर्स आर रिटन इन बिटवीन टू एम्स, दोनों एम के बीच में तीन लेटर्स लिखे जाएंगे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दोनों एम के बीच में तीन लेटर्स लिखे जाएंगे? आपको लग रहा है हो जाएगा क्वेश्चन या डाउट है? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं करके दिखा देता हूं, एक बार यहां आके करके दिखा दे, आप कर दोगे बेटा? आ जाओ, देखो सब लोग क्लैपिंग करना अगर ठीक होता है तो, और गलत होता है तो खुद ही चली जाएगी नीचे। माइक दे दो सर, बोलो एक्सप्लेन करना शुरू करो बेटा, माइक आ रहा है। क्या नाम है बेटा, नाम बताओ पहले अपना। सुप्रिया। सुप्रिया, वेरी गुड बेटा। पहले तो एन निकालेंगे उसमें, और एन हो जाएंगे एट, क्योंकि हमारे एट लेटर्स हैं और दो रिपीट होते हैं, दो एम है और दो ई है, तो नीचे टू फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। लिखो ना बेटा, अगर जिस लेटर को जहां मर्जी लिखो दैट इज कॉल्ड एन। हमारे जो टोटल वर्ड्स बनेंगे फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू, यही कहना चाहते हो ना बेटा? चलो, ए ए क्या होता है? व्हाट इज अवर रैंडम, हम कब जीतेंगे, व्हाट इज अवर रैंडम। तो रैंडम का मतलब होता है बेटा हमारी फेवर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए के लिए क्या करोगे, यही लिख दो बेटा ए। सर अगर गलत है तो बता देना ना, उनको करने तो दो। एन की वैल्यू अब इन्होंने चेंज कर दिया, क्या लग रहा है, ठीक है या गलत है? ठीक है, चलो ए की वैल्यू लिखो बेटा। दोनों एम के बीच में थ्री लेटर्स आने चाहिए, यही पूछ रहे ना वो। चलो कैसे करेंगे समझा भी दो थोड़ा सा बच्चों को। जहां मर्जी लिख दो बेटा, वर्स्ट केस तो नीचे वाला बनेगा, पहले एम थ्री लेटर्स और फिर एम बाकी के फोर बाद में, फिर सेकेंड के। अगर आपको लगे गलत है तो बेटा एक बारी हैंड रेज करना अपना, जिसको लग रहा है गलत है, नहीं तो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अभी सारा ठीक करेंगे। हो जाएगा बेटा? ये पांच केसेस बनेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। गलत है? चलो मैं करता हूँ, ठीक है जी, थैंक यू बेटा। चलो एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इट इज ए गुड, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा अगर आप ऐसे इनिशिएटिव लेते हो। थैंक यू बेटा सुप्रिया, बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप करना। देखो हम क्या करते हैं जी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करता हूं। हमने कहा जी हमारा वर्ड था कॉमर्स,
एन क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 8, सी दो बारी है, एम दो बारी है, ई दो बारी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? हमारे टोटल लेटर्स हैं 8, लेटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद इन्होंने गलती से एक स्पेस ज्यादा बना दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो या तो हम करते हैं जी, पहला एम यहां पे 1 2 3 छोड़ दिया, दूसरा एम यहां पे, देखो छोड़ दिया मतलब मैंने कट लगा दिया, या तो दूसरा एम यहां पे 1 2 3 छोड़ दीजिए, यहां एम छोड़ दिया हमने, इधर भी छोड़ दिया, या तो तीसरा एम यहां पे 3 छोड़ दिए, उसके बाद आ जाएगा जी 1 एम, या फिर फोर्थ एम यहां पे 1 2 3 और ये हो गया जी एम। टोटल केसेस बन जाएंगे 4, तो 4 टाइम एम को दो बारी लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर दोनों अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 2, क्योंकि दोनों एम है इसलिए फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। रिमेनिंग जो मेरे 6 प्लेसेज हैं वहां पे फैक्टोरियल 6 वे जाएंगे, कौन कौन से, सी ओ ई आर सी ई। अब यहां पे आप देखेंगे तो मेरा सी भी दो बार है और ई भी दो बार है, तो ई की वैल्यू को पहला क्वेश्चन में हमेशा बहुत स्लो स्लो करता हूं ताकि आप बहुत आराम से समझ लो कि हर स्टेप में क्या क्या करना है। अब आप देख लो जी, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं ए अपॉन एन, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 4 × 2 × फैक्टोरियल 6 / फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व करना किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। अब हम केवल एंड केवल इस टाइप का एक क्वेश्चन और करके अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, मेरा ख्याल बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं रह जाएगा। तो आप स्कैनर में से क्वेश्चन करोगे, असाइनमेंट में से करोगे, एग्जाम्पलर में से करोगे, कहीं से भी क्वेश्चन करोगे, कोई डाउट नहीं आएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जी हमारा, इफ द वर्ड प्लेगियरिज्म इज रिटन इन डिफरेंट वेज, फाइंड प्रोबेबिलिटी 4 लेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन 2 आईज, दोनों आई के बीच में आपके 4 लेटर्स प्लेस होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। आप थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखा करो, 1 मिनट में हमें क्वेश्चन करना होता है, तो इसको फटाफट देख लीजिए क्या आंसर आना चाहिए, जिसका होता जाएगा एक बार ही हैंड रेज करेगा जी मेरा हो गया। आरएन का हो गया जी, आपका भी हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। देखो सर, क्योंकि मेरे ख्याल सफिशियंट टाइम है तो हम क्या करते हैं जी, एन, वेरी गुड, जिसका भी हो गया बहुत अच्छा जी। तो हमारा वर्ड था प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का होता है स्टीलिंग ऑफ लिटरेचर, तो एन की वैल्यू क्या होगी, वैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 10, आई दो बारी आ रहा है, ए दो बारी आ रहा है, और कुछ, ए और आई दो बारी आ रही है। अब टोटल लेटर्स है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कह रहे हैं दोनों आई के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। मान लो मैंने यहां पे आई लिखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, यहां पे आई आ जाएगा, फिर मैंने यहां पे आई लिखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, यहां पे आई आ जाएगा, फिर मैंने यहां पे आई लिखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, यहां आई आ जाएगा, यहां पे आई लिखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, यहां पे आई आ जाएगा, यहां पे आई लिखा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, यहां पे आई आ जाएगा। 1 2 3 4 5 केसेज है,
ए का मतलब है फाइव केसेज हैं फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल टू आई के लिए, और रिमेनिंग हमारे कितने हैं जी, एट। तो फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल टू, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, करो जी फटाफट आंसर बोलो किसका कितना आ रहा है। तो ये हमारा हो गया जी, देख लीजिए डिनोमिनेटर कैंसिल, और हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 5 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10, दिस इज कॉल्ड 5 इंटू 2 फैक्टोरियल 8 एज इट इज, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और ये हमारा हो जाएगा जी 1/9, 1/9 इज द पॉसिबिलिटी इन दोनों आई के बीच में चार लेटर्स आके। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा माना जाता है, और जब हमारा पेपर बहुत मुश्किल आता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। कैन आई प्रोसीड फर्दर? वेरी गुड। अब देख लो जी, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिया, वो कह रहे ए एंड बी, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म में लिख लेना, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, टिल डबलेट अपीयर्स, इफ ए स्टार्ट्स द गेम। मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी इस गेम को बी जीतेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी इस गेम को ए जीतेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ए नहीं जीतेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी इस गेम को बी नहीं जीतेगा। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कोई भी दो फ्रेंड्स है वो कहते हैं हम गेम खेलेंगे, गेम क्या खेलेंगे, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे। अगर मान लो पहले, अब इसमें ना आपको एक चीज वो और देगा कि गेम को स्टार्ट कौन करेगा, तो उन्होंने लिखा हुआ है इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ये ए है ये बी है, तो आप इसका लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए, सबसे पहले ए थ्रो करेगा पेयर ऑफ डाइस को, अगर उसका डबलेट आ गया वंस फॉर ऑल गेम खत्म, ए के जीतने के चांसेस 1/6 और हारने के चांसेस 5/6। अगर मान लो ए नहीं जीतता तो फिर बी फेंकेगा, अगर मान लो फिर बी नहीं जीतता ए फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा, फिर ए फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा, और जब तक डबलेट नहीं आएगा तब तक वो इस गेम को खेलते रहेंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज आपको बताना है जी कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है। मैंने लिखा जी इट इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट, दूसरा मैंने लिखा जी इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, थर्ड मैं लिखा गया जी इट इज बोथ ए एंड बी, और डी पे मैं लिखता हूं जी नन ऑफ दिस। कितने बच्चों को लग रहा है ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, हाथ खड़ा करेंगे जिसको लग रहा है ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, और आप लोग मेरे को फोन भी करते हो बार बार बोल रहे हो सर थ्योरी के क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे किसको लग रहा है ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, किसको लग रहा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपके हिसाब से चलो आप जिसको भी जो लॉजिक आ रहा है ये क्या इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, कोई तो इवेंट होगी, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, कोई ना कोई जरूर जीतेगा, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। वो क्वेश्चन में ये कह के चल रहा है टिल डबलेट अपीयर्स, जब तक कोई आदमी नहीं जीतेगा तब तक गेम खत्म नहीं होगी,
तो या तो गेम को ए जीतेगा या तो गेम को बी जीतेगा, कोई ना कोई आदमी इस गेम को जरूर जीतेगा। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नंबर टू, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, दोनों आदमी इसको एक साथ नहीं जीत सकते। अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो सकता है ए भी जीत जाएगा बी भी जीत जाएगा, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। तो आप लिख लीजिए दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो जब हम थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो हम लिखेंगे जी दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई ना कोई जरूर जीतेगा, लेकिन या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, दोनों जीत जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। तो दिस इज एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो जी, ए ने पहले क्वाइन को थ्रो किया तो ए जीत जाएगा, गेम खत्म। मान लो ए का डबलेट नहीं आता, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए का डबलेट नहीं आएगा, 5/6। इसका मतलब है बी की बारी आ जाएगी, बी की टर्न आ जाएगी, बी का नंबर आ जाएगा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी अब बी जीत जाएगा, 1/6। अब मान लो जी बी भी नहीं जीत पाता, देखो पहले ए ने फेंका डबलेट नहीं आया, फिर बी ने फेंका डबलेट नहीं आया, इसका मतलब है ए की टर्न आ जाएगी, दोबारा ए की बारी आ जाएगी। अब ए फेंकेगा डबलेट आएगा 1/6। अब मान लो यहां पे भी इसका नहीं आता तो हम क्या करेंगे जी, पहले ए ने फेंका डबलेट नहीं आया, बी ने फेंका नहीं आया, ए ने फेंका नहीं आया, दिस इज द पॉसिबिलिटी उसकी सेकंड टर्न आ जाएगी और अब वो फेंकेगा डबलेट आ जाएगा। हमें नहीं मालूम है ये कितनी देर तक गेम चलेगी, हो सकता है पूरी जिंदगी खेलते रहेंगे ना ही आए डबलेट, क्या फर्क पड़ता है, और हो सकता है पहली बार में ही आ जाए। तो हम कहते हैं जी अप टू इंफिनिटी हम इसको चलाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है तीन बारियों में होगा, चार बारियों में होगा, पांच बारियों में होगा। तो हम निकालते हैं जी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप देखो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, या तो ए पहली बार में जीतेगा या तो ए दूसरी बार में जीतेगा। तो सम अप टू इंफिनिटी होता है ए अपॉन 1-r। ए का मतलब है पहली टर्म क्या है, 1/6। 1-r, r की वैल्यू क्या है जी, 25/36। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होती है ए, सॉरी आर, तो आर की वैल्यू होगी 25/36। हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी जी, 1/6 इंटू 36/11, 6/11। ए के जीतने के चांसेस हैं 6/11 और बी के जीतने के चांसेस हो जाएंगे 5/11, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है। अगर ए नहीं जीतेगा तो बी जीतेगा और अगर बी नहीं जीतेगा तो ए जीतेगा, दोनों में से कोई ना कोई आदमी 100% पक्का जरूर जीतेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। अगर ए के जीतने की 6/11 है तो बी के जीतने की आ जाएगी 5/11। मैं आपको थोड़ा हिंट बताता हूं, जो आदमी पहले फेंकेगा उसके हमेशा जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो सेकेंड टाइम पे फेंकेगा उसके जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 और बी की प्रॉबर्टी 5/11। अब एक क्वेश्चन ऐसा आप और देख लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। हम कहते हैं जी ए बी सी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, टिल डबलेट अपीयर्स, इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सी। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा भी हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पेपर में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना मतलब रिस्क लेने वाली बात है, इसलिए यू शुड बी थोरो अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा एक मिनट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा क्वेश्चन करके देखो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए जीतेगा,
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बी जीतेगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सी जीतेगा। और अगर कोई बहुत कंफर्टेबल हो, लग रहा हो मैं कर सकता हूं, तो वैसे यहां के भी कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन मैं ही करूंगा, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, और कल को मार्केट में जब जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी को आप कर सकते हो, यू आर मोर देन वेलकम, आओ करो सबके सामने, ज्यादा आ जाओ सर, आ जाओ, जिसको भी आना है आ जाओ, सब ऑल आर वेलकम। ही इज अभिनव उपाध्याय, आ जाओ बेटा आ जाओ। और भी धीरे धीरे आपकी इच्छा होनी चाहिए ना, मैं भी करके देखूंगा, तो थोड़ा थोड़ा सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको फ्यूचर के लिए थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे आके प्रैक्टिस किया करो, एक्सप्लेन भी करना है सर। तो यहां पे हमें तीन दे रखे हैं, तो सबसे पहले ए को स्टार्ट करनी है गेम, तो हो सकता है कि वो पहली बार में ही जीत जाए ए, और उसके बाद अगर ए नहीं जीतता तो आ जाएगा 5/6, और बी जीत जाता है तो आता है 1/6। उसके बाद अगर बी भी नहीं जीतता तो आता है फिर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। उसके बाद अगर तीनों नहीं जीतते, उसके बाद फिर से ए की बारी आएगी, तो ए पहले नहीं जीता, बी पहले नहीं जीता, सी पहले नहीं जीता, उसके बाद ए की बारी फिर आई तब वो जीत गया। तो इसमें हम सबसे पहले अगर ए का निकालेंगे सर, अगर किसी बच्चे को लगे गलत है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं, और सब कुछ ठीक है तो प्लीज लिसन टू हिम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकालेंगे, तो ए हमने देखा था अगर पहली बार में जीत जाए तो 1/6 अपॉन में 1 माइनस, इसका जब हम आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 216। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 1/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 91 अपॉन 216। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 36 अपॉन 91। उसके बाद बी और सी का भी इसी तरीके से निकाल देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर, आप रुको, ये रुको मैं आपके सामने करता हूं। देखो सर हमने क्या किया, आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हो तो थोड़ा चेक कर लो कैलकुलेशन क्या आएगी, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन का डिस्प्यूट है तो आप देख लीजिए जी कैसे कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको ना 3 कॉलम्स बना लीजिए, ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग कर लीजिए। तो आई से ये ए की बारी है, ये बी की बारी है, ये सी की बारी है। सबसे पहले ए ने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, व्हाट इज पॉसिबिलिटी डबलेट आ जाएगा 1/6। अगर ए नहीं जीतता तो बी का नंबर आएगा और बी फेंकेगा 5/6। अगर ए भी हार गया, बी भी हार गया, दिस इज द पॉसिबिलिटी सी की टर्न आ जाएगी और सी जीत जाएगा 1/6। ठीक है बेटा, आपका ठीक है, बस इनकी कैलकुलेशन के साथ, थैंक यू। अब क्या हो गया जी, ए भी मान लो नहीं जीत पाया, बी भी नहीं जीत पाया, सी भी नहीं जीत पाया, दिस इज द पॉसिबिलिटी अब ए की दोबारा टर्न आ जाएगी। सेम वे में मान लो पहले ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर सी हार गया, फिर दोबारा ए हार गया, फिर आ जाएगा जी हमारा बी की टर्न आएगी, सेम वे हमारा सी का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का मतलब है 1/6 और आर का मतलब है, देख लीजिए जी, 3 आएंगे
फाइव अपॉन सिक्स की पावर थ्री होते हैं जी 125 बटे में 216, तो हमारा हो जाएगा जी 1/6 इंटू 216 अपॉन 91, तो ये हो गया जी 36 अपॉन 91। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36 अपॉन 91, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 36 अपॉन 91। ऐसे ही हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऐसे ही हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में केवल ए की वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 इंटू 5/6, ये हो जाएगा जी 5/36, और आर की वैल्यू रहेगी जी सेम हमारी 91/21। तो बाकी सब चीजें कैलकुलेट करोगे, ए के जीतने की क्या है, बी के जीतने की क्या है, सी के जीतने की क्या है। अगर आप स्कैनर में देखेंगे पिछले 2-3 अटेम्प्ट में एक बारी इस क्वेश्चन को कवर भी किया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे वो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा उठा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर। अब एक लास्ट और देखते हैं जी, इसी से मिलता जुलता, वो कह रहे जी 8 बॉल्स, सब लिख लीजिए, 8 बॉल्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन 3 बॉक्सेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी box 1 विल हैव 3 बॉल्स। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का ही है, लेकिन फिर भी मोर देन 90% बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखो आप क्वेश्चन को समझो, वो कह रहे थे हमारे पास 8 बॉल्स है, तो मैं एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं जी। मान लीजिए हमारे पास ये टोटल मिला के 8 बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं, और हमने इनको 3 बॉक्सेस में डालना है। हमने इन 8 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डालना है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पहले वाले बॉक्स में 3 बॉल्स डालेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू के लिए देख लो जी, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ताकि स्पेस मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए हमने क्या किया, 3 बॉक्सेस थे हमारे पास। मैं मान लो पहले वाली बॉल को उठाता हूं, मेरे पास कितनी ऑप्शन है, box 1 में डाल सकता हूं, box 2 में, box 3 में। पहले वाली बॉल को डालने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, सेकंड वाली बॉल को भी अगेन 3, थर्ड वाली के लिए भी 3, फोर्थ वाली के लिए भी 3, तो 3^8, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3^8। मैं पहले वाली बॉल को उठाऊंगा, किसी भी एक बैग में डाल दूंगा, box 1, box 2, box 3, तो पहले वाली बॉल को हमने 3 में से किसी भी बैग में डाला, सेकंड वाली को, थर्ड वाली को, फोर्थ वाली को, फिफ्थ वाली को, पूरे के पूरे 8 बॉल्स को 3^8, n की वैल्यू क्या होगी जी 3^8। अब ए क्या कहता है, हम जीतेंगे कब, हम जीतेंगे तब अगर पहले बैग में 3 बॉल्स आ जाते हैं तो हम जीत जाएंगे। ए क्या कहते हैं जी हमारा, ए कहते हैं जी 3 बॉल्स हमारी पहले बैग में आनी चाहिए। मैं क्या कहता हूं जी, कोई भी 3 बॉल उठा के मैंने पहले बैग में डाल दी, मान लो ये वाली 3 बॉल उठा के हमने पहले बैग में डाल दी, तो ये 3ों बॉल हमारी पहले बैग में चली गई, पहला बैग भी खत्म हो गया क्योंकि पहले बैग को हमने भर दिया। अब देख लो जी हमारे पास टोटल 5 बॉल्स हैं, इस बॉल को डालने के लिए कितनी ऑप्शन है, 2, इस बॉल को डालने के लिए 2, हर एक बॉल को डालने के लिए 2 ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे जी 2^5, ए की वैल्यू क्या होगी 8c3 2^5, एन की वैल्यू क्या होगी 3^8। जब आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा जी ए अपॉन एन, फटाफट कंप्यूट करो क्या वैल्यू आ रही है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए ए अपॉन एन, ए का मतलब है 8c3 इंटू 2^5, एन की वैल्यू है 3^8।
आपका कैलकुलेटर आराम से काम करेगा, फटाफट मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। और इस क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये वाला क्वेश्चन डिट्टो मैंने वही का वही दिया जो मॉड्यूल में है, लेकिन हम इसके ऊपर बेस्ड इसको थोड़ा सा और टफ करेंगे क्वेश्चन को, तो ताकि इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए तो वी शुड बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो जी। नाइन बॉल्स आर पुट इन फोर बॉक्सेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी बॉक्स वन विल कंटेन फोर बॉल्स। करो बराबर करो, हमारे पास नाइन बॉल्स हैं और नाइन बॉल्स को हमने चार बॉक्सेस में डालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पहले वाले बॉक्स में चार बॉल्स आएंगे? एन की वैल्यू क्या है जी? टोटल नाइन बॉल्स हैं, चार बॉक्सेज हैं, फोर की पावर नाइन, क्योंकि पहली बॉल के लिए चार ऑप्शन है, सेकंड बॉल के लिए चार, थर्ड के लिए चार, ईच एंड एवरी बॉल विल हैव फोर ऑप्शंस, तो एन की वैल्यू आ जाएगी जी फोर की पावर एन। ए क्या कह रहे हैं? ए कह रहे हैं जी पहले वाले बैग में, पहले वाले बॉक्स में आप चार बॉल्स डालोगे, तो नाइन में से कोई भी चार बॉल उठा के आपने पहले वाले बॉक्स में डाल दी। अब हमारे पास रिमेनिंग बॉक्स रह गए तीन और रिमेनिंग बॉल्स रह जाएंगी हमारे पास फाइव, क्योंकि नौ में से चार बॉल्स आपने उठा के पहले बैग में डाल दी, नाइन सी फोर, नाइन में से कोई भी चार बॉल पहले बॉक्स में चली गई। अब बाकी ये वाली बॉल है, इसके लिए तीन ऑप्शन है, हर एक के लिए तीन है, तो हम क्या करेंगे जी इनटू क्या हो जाएगा जी फाइव की पावर पहले, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर फाइव, तो दिस इज इक्वल टू थ्री की पावर फाइव। तो प्रोबेबिलिटी निकालो जी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए अपॉन एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया जी ए अपॉन एन। ए का मतलब है थ्री की पावर फाइव, नाइन सी फोर अपॉन फोर की पावर नाइन। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी कितना आंसर आ रहा है, कितना है? जीरो पॉइंट, देख लो जी मैं एक बार कर देता हूं, किसी का गलत होगा तो चेक कर लेना। और ही सेज 9C4, 9, 8, 7, 6, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 9। ये हो गया जी 8 इंटू 3, 3 इंटू 3, 21 इंटू 6 हो गया जी 126, 3 की पावर 5 होते हैं जी 243, और अपॉन 4 की पावर 9 होता है मेरे ख्याल 2000, 26, 144, तो कैंसिल कर लीजिए जो भी आ जाएगा, दिस इज द आंसर। कैलकुलेटर है ना? ठीक है जी, इसको कैंसिल करके जो कुछ भी आ जाएगा दैट इज द प्रॉब्लम। ये हमारा टोटल हो जाएगा, दैट इज इस तरह का अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है तो हाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले वही वाले क्वेश्चन किए जहां पे आपको प्रॉब्लम थी। अगर किसी को लग रहा है इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम इस तरह के एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, नहीं तो हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आगे प्रोसीड करता हूं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। किसको लग रहा है और क्वेश्चन की जरूरत है? बहुत बढ़िया।
अब देखिए जी, हम आगे बढ़ते हैं जी. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हमारा जो था, देखो प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होती है, मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट सारे. हमारी सबसे पहले थी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. कल हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी किया था. सेकंड नंबर मेरा था जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. अभी हम इसको करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और सब बच्चों को इसकी अच्छी प्रैक्टिस भी है. थर्ड हमने किया था जी बेस्ड ऑन परम्यूटेशन. इसमें से कवरेज मैक्सिमम होती है. अगर आपके जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में से आए हुए होते हैं. और इसको हमने बहुत डिटेल में कल का भी टाइम लगाया, आज का भी लगाया. बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कितने तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वी आर ट्राई टू सॉल्व. अब हमारी होती है जी फोर्थ वाला बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले हम करेंगे जी व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, जैसे परम्यूटेशन किया था, फिर उसके ऊपर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हमारी प्रॉपर्टी आ चुकी. तो लिख लीजिए ऊपर व्हाट इज कॉम्बिनेशन. हमने लिखा जी व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. अब काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, सर पता नहीं चलता कहां पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएं, कहां पे कॉम्बिनेशन का लगाएं, तो कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना. कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है मेकिंग ग्रुप्स, या हम इसको ये भी बोलते हैं मेकिंग सिलेक्शंस. हमें ग्रुप बनाने हैं, हमें लोगों को सिलेक्ट करना है, वी अप्लाई कॉम्बिनेशंस. अगर हमें केवल एंड केवल अरेंजमेंट करना है, चार लोगों को एक लाइन में बिठाना है, पांच लोगों को एक सर्कल में बिठाना है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, दैट इज ऑलवेज परम्यूटेशन. क्योंकि परम्यूटेशन का होता है मेकिंग अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन का होता है मेकिंग ग्रुप्स. आपके पास आठ लोग हैं, आपने उसमें से तीन सिलेक्ट करने हैं. आपके पास 12 लोग हैं, उसमें से चार सिलेक्ट करने हैं. तो जब हमें कभी भी सिलेक्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस. तो कॉम्बिनेशन का सबको बेसिक मालूम है. जैसे मान लो जी ए बी सी डी ई एफ, हमने इनमें से तीन लोगों को सिलेक्ट करना है या तीन लोगों का ग्रुप बनाना है. तो सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है जी? एन सी आर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, छह में से तीन लोगों को सिलेक्ट करना है, एनसीआर. और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर. हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही होता है. एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर. अब ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है, आप लोग इलेवेंथ में भी करते हो, ट्वेल्थ में भी करते हो, लेकिन जब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज नहीं प्रॉपर हो पाती कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं. तो हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देख लीजिए. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे वो कहते हैं जी हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म. विद 12 पॉइंट्स, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद 12 पॉइंट्स. आपके पास कोई भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे 12 पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी 12 पॉइंट लगे हुए हैं. आप उनमें से किसी भी तीन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा, प्रोवाइडेड हमारे पॉइंट्स को लीनियर नहीं होने चाहिए. तो अगर हम किसी भी तीन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, देयर विल बी ए ट्राइंगल. वो कह रहे जी हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म विद 12 पॉइंट्स. तो आपने क्या किया जी, 12 में से किसी भी तीन पॉइंट को मिला दिया. तो 12 में से कोई भी तीन पॉइंट सिलेक्ट किए, उनको मिला दिया, तो ये हो जाएगा जी हमारा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये हो जाएगा जी हमारा 220, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है. तो टोटल 220 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म. हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स थे, हमने कितने ट्राइंगल बनाए? टोटल 220 ट्राइंगल्स बन सकते हैं.
अब वो कह रहे थे हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड। तो स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं जी, 12 में से किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। आपने दो पॉइंट को सिलेक्ट किया और उनको आपस में मिला दिया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 12C2 हो जाएगा जी, 12 × 11, 2 × 1, मेरे ख्याल 66 लाइन्स बन जाएगी। टोटल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? 220। टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं? 66। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अब उन्होंने कहा जी हमारे कुछ पॉइंट कोलिनियर भी हैं। अब वो कह रहे जी देखो हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद 11 पॉइंट्स इफ 5 आर कोलिनियर। और साथ के साथ वो पूछता है जी हमारी टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी इस कंडीशन पे, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पे लाऊंगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसको प्रोबेबिलिटी पे लाएंगे। हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद 11 पॉइंट्स, उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है। मतलब हमारे पॉइंट ऐसे हैं, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट तो एक लाइन में है, बाकी 6 इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं। अब वो कह रहे जी इससे टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो हमने क्लास में भी यही डिस्कस किया था, सबसे पहले हम मानेंगे हमारा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर मान लो कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितने ट्रायंगल बनने चाहिए? 11C3। बनाओ जी हमारे टोटल बनने चाहिए 11C3। तो 11C3 का मतलब हो गया ये 11C3 माइनस। अगर मैं इन 5 पॉइंट में से किसी भी 3 को मिलाऊंगा तो ट्रायंगल बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, इन 5 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेंगे। 11C3 माइनस 5C3, टोटल इतने ट्रायंगल बनेंगे। पहले हम प्रिज्यूम करेंगे कोई भी पॉइंट हमारा कोलिनियर नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो क्या हो जाएगा? 11C3, इसमें से हमारे 5 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे आपस में कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। 11C3 माइनस 5C3। 11C3 क्या होते हैं जी, 11 × 10 × 9, 3 × 2 × 1, सबको एक्सपेंड करना आता है। 5C3 की वैल्यू 10 है, तो ये हमारा क्या हो गया जी, देख लीजिए 165 माइनस 10, टोटल 155 ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म अगर हमारे कुछ पॉइंट कोलिनियर हैं तो। अगर हमारे कुछ पॉइंट कोलिनियर हैं तो पहले हम प्रिज्यूम करेंगे, मान लो कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, उसमें से कोलिनियर पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं उसको घटा देंगे, रिमेनिंग आर द वैलिड ट्रायंगल्स। अब हमने इसकी स्ट्रेट लाइन भी बनानी है, फटाफट करो जी। स्ट्रेट लाइन कितनी आएंगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जी, पहले हमने माना कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है 11C2। अब हमारे 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, लाइन नहीं बननी चाहिए, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स कहता है अगर 5 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन सबको मिलाएंगे तो एक लाइन तो पक्का बनेगी। तो एक लाइन हमारी कोलिनियर पॉइंट से भी बनेगी, उसको हम ऐड कर देंगे। पहले हमने प्रिज्यूम किया कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है तो टोटल लाइन बनेगी 11C2, उसमें से कोलिनियर कंडीशन लगा के हमने लाइन कम कर दी। अगर हमारे 5 पॉइंट कोलिनियर हैं एक लाइन तो तब भी बनेगी, वो एक लाइन मैंने ऐड कर दी 11C2। 11C2 का मतलब कितना होता है जी, 11 × 10 और अपॉन 2 × 1। 5C2 होता है 10 + 1, ये हो गया जी हमारा 55 माइनस 10 + 1, ये हो जाएगा 46 मेरे ख्याल। टोटल 46 लाइंस कैन बी फॉर्म अगर हमारी ये कोलिनियर पॉइंट्स वगैरह हैं तो। ये बहुत सिंपल है
और इसमें कभी भी किसी बच्चे को कोई गलती नहीं होती है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको हम थोड़ा सा एडवांस बेसिस पे ले जाएंगे नंबर सिस्टम पे। आप देखो जी, नंबर सिस्टम में हमारे को प्रॉब्लम कहां होती है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 3355279। हमारे को नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट दिए हुए हैं और आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है। वो कह रहे जी सबसे पहले तो आपको 4 डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से 4 डिजिट का बनाओगे, क्यों? क्योंकि हमारी रेपिटेशन भी है। अगर मान लो आप रेपिटेशन वाले सिलेक्ट करोगे तो नंबर अलग तरीके से बनेंगे, अगर आप रेपिटेशन वाले सिलेक्ट नहीं करोगे तो नंबर हमारे अलग तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे को 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं और 4 लेटर सिलेक्ट करके उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं जी दोबारा से, आप कहोगे जी सबको इंपॉर्टेंट बता देते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले 4 लेटर सिलेक्ट किए, तो हम लेटर है क्या जी, मेरे 2 तो 3 है, 2 5 है, आप देख लो जी 2 तो 3 है और 2 5 है, उसके बाद 1 2 1 7 1 9। बल्कि मैं चाहूंगा पहले आप मुझे देख लीजिए मैं कैसे करता हूं, उसके बाद करना, क्योंकि जितनी बार ये टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन देते हैं मैक्सिमम लोगों का गलत होता है। सबसे पहले मैं कहता हूं जी मैंने दोनों के दोनों पेयर सिलेक्ट कर लिए, अगर मैंने दोनों पेयर सिलेक्ट किए, 2 पेयर थे, दोनों के दोनों सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, अगर मैं कोई चीज सिलेक्ट करता हूं तो आई हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। अब मैंने दोनों के दोनों पेयर सिलेक्ट किए, मेरे 4 डिजिट कौन से हो गए जी, 3355। अब मैं 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, अब मेरा हो गया जी परमुटेशन, इन 4 डिजिट से नंबर बनाएंगे, अगर चारों डिजिट अलग अलग होते तो नंबर बन जाते फैक्टोरियल 4, लेकिन 3 दो बार ही आ रहा है, 5 दो बार ही आ रहा है, पहली कंडीशन तो मेरी ये होगी मैंने दोनों के दोनों पेयर सिलेक्ट किए और उससे 4 डिजिट का नंबर बना दिया। ऑप्शन नंबर 2, और अब मैं क्या करता हूं जी, कोई भी एक पेयर सिलेक्ट करता हूं, एक पेयर का मतलब है मान लो मैंने 3333 सिलेक्ट कर लिया, एक पेयर का मतलब है 2 में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लिया। अब एक पेयर सिलेक्ट तो हो गया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी मेरे पास रह गए 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 2 लेटर और सिलेक्ट करूंगा, मान लो मैंने सिलेक्ट कर दिया 7 और 9। अब इन 4 डिजिट से मैं नंबर बनाऊंगा तो नंबर कितने बनेंगे जी, इनटू फैक्टोरियल 4, सारे अलग अलग होते तो, लेकिन 3 दो बार ही आ रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल 2 हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री है, मैं कोई भी पेयर को कंसीडर नहीं करता, तो मैंने पेयर कोई भी नहीं लिया 2C0, मेरे पास डिजिट कौन कौन से हैं 3 5 2 7 9, इन पांचों में से कोई भी 4 लेटर 4 डिजिट ले लूंगा। मैंने मान लो 4 डिजिट ले लिए जी 2 5 7 9, टोटल कितने नंबर बन सकते हैं फैक्टोरियल 4, इन सबको सॉल्व करेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, इन सबका सम करेंगे, दैट इज द 4 डिजिट के कितने नंबर बन पाएंगे, और आप देखेंगे 2020 में इसको कवर किया हुआ है। और हमारी जो एक एक्सरसाइज है, आई डोंट रिमेंबर, शायद उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को मर्ज किया हुआ है, पहले कॉम्बिनेशन के बेस पे आप इनको सिलेक्ट करोगे,
उसके बाद अब इसके नंबर बनाओगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी आ जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके साथ साथ करता हूं, उसके बाद फिर जब क्लियर होगा तो अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जिसको डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देख लो जी, आप कहते हो जी हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद 5577993। हमने चार डिजिट के नंबर बनाने हैं, टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट। हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। सबसे पहले चार डिजिट को सिलेक्ट करोगे। अगर सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम ना होती तो सीधा सीधा लिख सकते हैं जी सात में से कोई भी तीन लेटर लेके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो या तो रेपिटेशन वाले नंबर आएंगे या तो नॉन रेपिटेशन वाले आएंगे। पहले हम चार डिजिट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनके नंबर बनाएंगे। करो फटाफट करो। सबसे पहले देखो जी, हमारे तीन पेयर्स हैं। आप साथ साथ कहते हैं ना, या तो मैं तीन में से कोई भी दो पेयर सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर तीन में से कोई भी दो पेयर सिलेक्ट किए, मान लो 7799 ये मेरा आगे छे, इट मींस जब मैं इसका नंबर बनाऊंगा तो क्या बनेगा जी, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। टोटल कितने नंबर बन पाएंगे? अगर चारों अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल चार नंबर बनते, लेकिन 7 भी दो बार ही है, 9 भी दो बार ही है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है जी, मैं तीन में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने तीन में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट किया, मान लो 5 मैंने पेयर सिलेक्ट कर लिया, बाकी रह गया एक, तो रह गया 7 1 9 1 3। इन में से तीन में से कोई भी दो ले लूंगा, चार डिजिट बन जाएंगे। मैंने ले लिया जी 1 9 1 3। अब देख लो जी टोटल कितने नंबर बन सकते हैं। अगर चारों अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 4, लेकिन 5 दो बार ही आ रहा है, फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट वाला हो गया जी, मैं तीन में से कोई भी पेयर नहीं लूंगा। अगर मैंने तीन में से कोई भी पेयर नहीं लिया तो 5793, इन चार में से मेरे को चारों डिजिट लेने पड़ेंगे, और जब मैं इनके नंबर बनाऊंगा तो कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 4 नंबर बन जाएंगे। सॉल्व करोगे तो ये आंसर है हमारा। और ये भी आप लोगों को जितनी बारी टेस्ट वगैरह किया, जितनी बारी भी चैप्टर को करने की कोशिश की, तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के क्वेश्चन में डाउट आता है, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन पहले कर दिए। करो फटाफट लिखो जी कितना आंसर आ रहा है। छोड़ दूं मैं, क्लियर है सबको? तो हमने किया जी 3C2 का मतलब है 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 अपॉन 4, 3C1 का मतलब है 3, 3C2 का मतलब है 3, ये हो गया 24 अपॉन 2, प्लस 3C01, 4C41, ये हो गया जी 24। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये हो गया जी 3 × 6, पहले वाले के हो गए 18, अगले वाले के हो गए जी 12 निमा 108, अगले वाले के हो गए जी 24, 18 + 24 = 42, और प्लस 108, टोटल नंबर कितने बन जाएंगे जी, 1। ठीक है, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं, किसी की गलत है ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट पहले तो लॉजिक समझ आना जरूरी है कि हमारे को चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको अभी हम प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। तो हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है, फिर परम्यूटेशन करना है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन, दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन है। पहले हमें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है,
अब मैं आपको कहता हूं जी, आप में से मुझे 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनको एक सर्कल में बिठाना है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना है पहले। पहले मैंने 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है NC10। जब वो 10 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं उनको एक सर्कल में बिठाऊंगा, फिर मेरा परमोटेशन लगेगा। तो सिलेक्शन के टाइम पे कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट के टाइम पे परमोटेशन। तो जहां पे दोनों चीजें करनी है वहां पे दोनों फॉर्मूले लगेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो वो देख लो, शायद हमने क्लास में भी नहीं किया था। वो कह रहे जी आपने क्या करना है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद 4 लिख देते हैं, 4 थोड़ा सा ठीक है, 5 में बड़ा हो जाता है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद 4 लेटर्स सिलेक्टिंग आउट ऑफ, हमने लिखा जी एग्जामिनेशन। मेरे को कोई वर्ड दिया होता है एग्जामिनेशन, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं यहां से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करूंगा। जब मेरे 4 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं उनसे वर्ड बनाऊंगा। तो वो पूछ रहे हैं बताओ टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। करो फटाफट करो, पहले 4 लेटर्स को सिलेक्ट करो, फिर जब 4 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आप उससे एक वर्ड बनाना। और जो हमने पहले वाले 100 क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको करेंगे ही नहीं, रख दिए लेके कोई फायदा नहीं है उसका। रोज का काम रोज करेंगे तो थोड़ी सी रिवीजन और अच्छी हो जाएगी और नंबर हमारे थोड़े और अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले हम 4 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन कैसे होगी जी, आप देख लीजिए, जैसे मेरा ई है, ई के बाद एक्स ए, एम आई, एन ए, टी आई, ओ एन, जो पेयर बन रहे हैं वो मैंने पेयर बना दिए, टोटल मिला के 3 पेयर्स है। जब मैं 4 लेटर को सिलेक्ट करूंगा तो मैं 3 में से कोई भी 2 पेयर ले सकता हूं। मैंने मान लो 2 पेयर सिलेक्ट किए जी, डबल ए डबल एन, डबल ए डबल एन से अगर मैं वर्ड बनाऊंगा तो कितने वर्ड बनेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। सबसे पहले मुझे 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है, जैसे हमने अभी डिजिट किया था सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है और उन 4 लेटर्स के बेस पे हम वर्ड बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले 3 में से कोई भी 2 पेयर सिलेक्ट किए और उन 2 पेयर से मैंने वर्ड बना दिया 4 लेटर का, डबल ए डबल एन से। अब देख लो जी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहती है जी मेरी, वो ये कहती है जी मैं 3 में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने मान लो एक पेयर सिलेक्ट किया जी डबल ए का, ये पेयर मेरा सिलेक्ट हो गया, खत्म करो इसको। अब कितने लेटर हैं, 1 2 3, इसको एक माना जाएगा, 4, ये हो गया 5 6 7, इन 7 में से कोई भी 2 डिजिट में, 2 लेटर में और सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने 2 लेटर सिलेक्ट किए, एक टी एक ओ। अब मैंने इससे वर्ड बनाया तो कितने वर्ड बनेंगे, सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 4, और क्योंकि मेरा ए 2 बार ही आ रहा है तो आई विल डिवाइड इट बाय 2। थर्ड ऑप्शन क्या होगी सर, थर्ड ऑप्शन होगी कि मान लो मैंने कोई भी पेयर सिलेक्ट नहीं किया, 3 में से 0 पेयर सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एट में से कोई भी चार लेटर सेलेक्ट करूंगा। मैंने मान लो चार लेटर सेलेक्ट किए ई एक्स एम एन। अब मैं इससे वर्ड बनाऊंगा तो कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल फोर वर्ड बनेंगे सर। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, तीनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द सॉल्यूशन। करो कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी, 2454। अच्छा, ही इज टेलिंग 2454। अगर किसी का कोई और आ रहा हो तो बता दीजिए। हम टोटल मिला के कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 2454, 2454 क्या बोलेंगे? ऐसे ही होगा ना, 2454 वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वाली टाइप बहुत अच्छी है, चाहे वो नंबर सिस्टम पे हो, चाहे वो अल्फाबेट्स पे हो, और इसी को अब हम प्रोबेबिलिटी पे उतारेंगे, क्योंकि पहले बेस समझ आना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम इसको प्रोबेबिलिटी पे कंप्लीट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज द, मतलब कौन सी चीज कैसे आई, क्या क्या लॉजिक है, मैं क्या, क्लियर है? सबको क्लियर है पीछे सर? बहुत बढ़िया सर। अब देखो जी, हम बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे प्रोबेबिलिटी की, कॉम्बिनेशन बेस्ड का। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। हम कहते हैं जी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूजन होते हैं जी। हमने कहा जी हमारा कोई भी बैग नंबर वन है, बैग नंबर वन में से रेड बॉल थी 7 और ब्लू बॉल्स थी 6। बैग नंबर टू में ये वाली बॉल थी 5 और ये वाली बॉल थी 8। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर वन, टू बॉल्स फ्रॉम ईच बैग, टू बॉल्स फ्रॉम ईच बैग आर ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑल आर नॉट ऑफ सेम कलर। ये टू स्टार्ट विद है, इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि बैग वाले क्वेश्चन में भी पहले जब हम क्लास में करते थे तब भी आप कहते थे जी बैग वाले क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो बैग वाले क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे कर देते हैं ज्यादा। तो आप देखो जी, हमने क्या किया, दोनों बैग्स में से दो दो बॉल्स निकाली। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी चारों की चारों बॉल सेम कलर की नहीं होंगी? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम कलर? चारों की चारों बॉल सेम कलर की नहीं होंगी, दैट इज टू बी कंप्यूटेड। तो मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं, नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, पहले आपको निकालना पड़ेगा चारों की चारों बॉल सेम कलर की होंगी, फिर आप इसको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। पहले बैग से दो बॉल निकाली गई हैं, दूसरे बैग से दो बॉल निकाली गई हैं। तो आप देख लो जी कैसे कैसे करेंगे इसको। पहले हम n की वैल्यू करते हैं जी। पहले बैग से दो बॉल निकाली गई हैं तो हम क्या कहेंगे जी, 13 बॉल हैं, 13 में से कोई भी दो बॉल निकाले, या इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा, नहीं तो ये शॉर्टकट करते हैं इसको। आपने क्या किया जी, पहले बैग से दो बॉल निकाली हैं, दूसरे बैग से दो बॉल निकाली हैं। आप पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, मान लो बैग नंबर वन है और ये बैग नंबर टू है। आपने पहले बैग से दो बॉल निकाली, दोनों रेड हैं, दूसरे बैग से दो बॉल निकाली, दोनों रेड हैं। इसका मतलब है चारों की चारों बॉल सेम कलर की है। या फिर पहले बैग से जो दो निकाली दोनों ब्लू है, और सेकंड बैग से भी दो निकाली दोनों ब्लू हैं। इसका मतलब है जो हमने चार बॉल्स निकाली थी चारों की चारों सेम कलर की है। अब इसको कंप्यूट करेंगे, पहले बैग से दो बॉल निकाली दोनों की दोनों रेड है,
तो दो बॉल निकाली, एन की वैल्यू क्या होगी जी, 13 में से कोई भी दो बॉल निकाल सकते हो। देख लो बैग नंबर वन में टोटल मिला के 13 बॉल्स हैं और 7 रेड हैं, 6 ब्लू हैं, तो हम कह सकते हैं जी पहले बैग से 13 में से कोई भी दो बॉल निकली, सिलेक्ट की हमने दो बॉल्स 13C2। ए क्या कहते हैं हमारा, दोनों रेड होंगी, 7 में से दोनों निकलेंगी, 6 में से कोई नहीं निकलेगी। तो ये हो गया जी मेरी, दोनों की दोनों बॉल रेड होंगी अगर मैं पहले बैग से निकालता हूं। हम क्या लिखेंगे जी, 7C2 6C0 अपॉन 13C2। मैंने पहले बैग से दो बॉल निकाली, दोनों रेड हैं, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेकंड बैग से दो बॉल निकाली, दोनों रेड हैं, 5C2 8C0 13C2। इसका मतलब है मेरी चारों की चारों बॉल रेड है। जो मैंने पहले बैग से दो निकाली वो भी रेड है, जो मैंने सेकंड बैग से दो निकाली वो भी रेड है, चारों की चारों बॉल रेड है। तो हमने किया जी पहले बैग वाली भी दोनों रेड और दूसरे बैग वाली भी दोनों रेड। या फिर क्या हो सकता है, या का मतलब होता है प्लस। हमने पहले बैग से दो बॉल निकाली, दोनों ब्लू हैं, दोनों ब्लू हैं का मतलब है पांच में से कोई, सॉरी पहला बैग है ना, तो हम क्या करते हैं जी पहले बैग में दोनों ब्लू हैं का मतलब है 7 में से कोई भी नहीं निकलेगी और दोनों की दोनों ब्लू होंगी 62 अपॉन 13C2। करो बराबर करो, दोनों को ऐड करो तो इसका मतलब दोनों की दोनों सेम कलर की हैं और 1 माइनस करेंगे तो दोनों सेम कलर की नहीं है। बैग वन में 7 रेड 6 ब्लू और बैग टू में 5 और 8। हमने पहले बैग से दो बॉल निकाली, दोनों रेड थी, हमने किया जी 7C2 6C0 13C2। एंड दूसरे बैग से निकाला, वो भी दोनों रेड थी, 5C2 8C0 13C2। या फिर हमने किया जी पहले बैग से दो बॉल निकाली, दोनों ब्लू थी, 6C2 13C2। एंड दूसरे बैग से निकाली, दोनों ब्लू थी, 5C0 8C2 13C2। यहां तक तो मैंने किया ही था, आपको केवल एंड केवल इसको सॉल्व करना है। 7C2 की वैल्यू होती है जी 21 7C2 हो गया जी 21 6C0 हो गया 1। 13C2 की वैल्यू होती है 78 इंटू 5C2 10 8C0 1 13C2 की वैल्यू 78 प्लस 7C0 1 6C2 15 78 और इंटू 5C0 1 8C2 हो गया जी 28 अपॉन 78। तो हम क्या करेंगे जी, ऊपर आ जाएगा, देख लीजिए 210 अपॉन 78 इंटू 78 प्लस ये हो जाएगा जी 420 अपॉन 78 इंटू 78 टोटल हो गया जी 630 अपॉन 78 इंटू 78 कैलकुलेटर में देख लीजिए। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी चारों की चारों बॉल सेम कलर की होंगी। कितना आ रहा देख लीजिए, मैं कर देता हूं। ये आ जाएगा जी 6084। तो 6084 हम लिखते हैं जी 630 अपॉन 6084। ये हो गया जी चारों की चारों बॉल सेम कलर की होंगी और 1 माइनस करेंगे तो चारों की चारों बॉल सेम कलर की नहीं होंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। स्कैनर कितने बच्चों ने अभी करना शुरू भी नहीं किया,
मेरे से लेने के बाद अभी खोल के भी नहीं देखा, क्यों सर? आपका है नहीं तो आपने मेरे से लिया क्यों नहीं सर? मैं आपको रोज बोलता हूं जिसके पास नहीं है, जो भी मटेरियल नहीं है मेरे से ले लो, सॉफ्ट कॉपी हर चीज की मिल रही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बताओ आपकी स्कोरिंग इंप्रूव कैसे होगी? फिर ये सब चीजें करने का फायदा क्या हुआ? आप भी इतना टाइम लगाओ, मैं भी इतना टाइम लगाऊं, पता चले कि नंबर अभी भी हमारे वही आ रहे हैं, देन व्हाट इज द यूज सर? देखो मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आपकी इच्छा ये है कि मेरे 100 नंबर आने चाहिए तो आपके 100 पक्का आएंगे। सबसे पहले तो डिजायर होना जरूरी है, लेकिन अगर आप वो नहीं रखोगे, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करोगे, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप कुछ तो सोचोगे कि मेरे 90 आने चाहिए, मेरे 95 आने चाहिए, मेरे 85 आने चाहिए। जितना टारगेट रखोगे उस हिसाब से मेहनत करोगे। तो जो मेटीरियल चाहिए मिलेगा सर, उसको करना शुरू करो। अब उसने पूछा था जी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी चारों बॉल सेम कलर की नहीं होगी? अब इसमें बच्चों की सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है? वो कहते हैं सर आप ये कहते हो जी एक मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, आप तो खुद भी करते हो, एक मिनट से ज्यादा लगाते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है ही बहुत बड़ा। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था, देखो मैंने आपको जो 100 क्वेश्चन दिए उसमें से 30 क्वेश्चन थ्योरी के थे। उस थ्योरी में मेरे ख्याल अगर आपको मालूम है लाइन डायग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में, या तो ये आंसर है बी ए सी ए डी ए लगाने में सेकंड्स का काम है। तो वो जो आपका टाइम स्पेयर होगा, अगर मान लो 5 क्वेश्चन थोड़े ऐसे भी आ गए जो बड़े हैं, तो आपको ऐसे भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें तो वो एक मिनट भी लगना नहीं है, तो इसलिए ना वो आपका कंपनसेशन हो जाएगा। आई एडमिट थोड़े थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन इसमें अगर मान लो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनके लिए टाइम आपको ऑलरेडी सफिशियंट है। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम ही नहीं लगेगा, तो उन क्वेश्चन को आप यहां कर सकते हो। देखो हम बिल्कुल थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं बैग वाले को, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पहले वही करते हैं जी। देखो सब लोग सीरियसली करना है जी। बैग नंबर 1 में रेड बॉल है 6, ब्लू बॉल है 7, बैग नंबर 2 में यहां पे है 8, यहां पे है 5। पेपर में कोशिश ये की जाती है कि दोनों बैग्स में नंबर और बॉल सेम हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो जाए। अगर दोनों में अलग अलग होगा तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। अब यहां पे देखो जी, जो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कहते हैं जी ए बॉल इज शिफ्टेड, ए बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बैग नंबर 1 टू बैग नंबर 2 एंड सब्सिक्वेंटली ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 2। फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज ए रेड बॉल। वो कह रहे जी सबसे पहले हमने पहले बैग में से एक बॉल निकाल के दूसरे बैग में शिफ्ट कर दी, बाद में शिफ्ट करने के बाद सेकेंड वाले भाग में से एक बॉल निकाली है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो जो बॉल निकलेगी वो रेड होगी? सबसे पहले पहले बैग से एक बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाली गई है। तो आप एक चीज देखो जी, जब मैं पहले बैग से दूसरे बैग में बॉल डालूंगा, या तो वो रेड बॉल शिफ्ट होगी या तो वो ब्लू बॉल शिफ्ट होगी। आपने किसी ब्लाइंड आदमी को बोला जी इस बैग में से एक बॉल निकाल के इस बैग में डाल दे, जब वो इस बैग में से बॉल निकालेगा या तो वो रेड होगी या तो ब्लू होगी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी रेड होगी? वो हो गया जी 6/13, और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ब्लू होगी 7/13। अगर रेड बॉल है मतलब यहां से एक निकल गई, यहां एक ऐड होगी, पहले वाले बैग का कोई काम नहीं है। सेकंड बैग में से आपने एक बॉल निकाली है, व्हाट इज पॉसिबिलिटी वो रेड होगी? सेकंड बैग में 9 तो रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 14, तो 9/14 होगी।
या तो क्या हो गया जी, पहले वाले बैग में से ब्लू बॉल निकली थी, वो दूसरे में आ गई। अब देखो सेकंड बैग की पोजीशन क्या है, सेकंड बैग की पोजीशन ये है कि हमारी रेड बॉल है 8 और टोटल बॉल्स हैं 14, तो इसका मतलब है 8/14, क्योंकि सेकंड बैग से जो बॉल निकलेगी वो रेड होनी चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 54/182 और प्लस 56/182, टोटल 110/182। सबसे पहले जब हम पहले बैग से बॉल निकालेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो रेड बॉल होगी या तो ब्लू होगी। अगर रेड बॉल शिफ्ट हुई है तो यहां से एक रेड कम होगी और यहां पे एक रेड बढ़ जाएगी। अब मैंने सेकंड बैग से बॉल निकाली, रेड बॉल तो 9 हो चुकी थी, ब्लू बॉल 5 थी, तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी वो रेड होगी, 9/14। सेकंड केस के बाद क्या होगा, सेम कंडीशन आपने अप्लाई की। अब ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार क्लास में, जब आपकी जूम क्लास हमने शुरू किया, फिर आप लोग कहते हैं छोड़ो छोड़ो जी, इसको रहने दो, इसको रहने देते हैं, तो ये रहने देते हैं मतलब वो पेपर में फिर रहने देने वाला काम हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छी तरह देखो, कैसे कैसे क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी मेरी। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसके बाद फिर बताना जी क्या पढ़ चुके हमने। किया जी, कोई बैग है, बैग नंबर 1, रेड बॉल है 7 और ब्लू बॉल्स है 8। बैग नंबर 2 है, रेड बॉल्स है 6 और यहां पे है 9। मैं कह रहा हूं ए बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बैग नंबर 1 टू बैग नंबर 2। शिफ्ट होने के बाद ए बॉल इज ड्रॉन, यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर या सब्सिक्वेंटली, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज रेड। सबसे पहले हमने पहले बैग से एक बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाल दी, उसके बाद हमने दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो जो बॉल निकलेगी वो रेड होगी। हो गया सर, बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है मेरी बात समझ ना आई हो तो आप इनकी बात आराम से सुन लेना। सबसे पहले तो नाम बताओ सर। तनुज। तनुज, लो बताओ कैसे कैसे। हाँ सर, जैसे जैसे पेन पकड़ते वैसे पकड़ो सर नॉर्मली। इफ रेड बॉल इज शिफ्टेड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 इज 7/15 एंड देन सिलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 बिकम्स 6+1 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बिकम्स 16 सॉरी। और इफ ब्लैक बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बैग 1 then the probability of selecting a red ball from bag 2 becomes 6/16. Very good. ठीक है जी, कोई डाउट, किसी को लग रहा हो गलत है, पूरा कंप्लीट करो सर। कोई अच्छा ठीक है, 49 मैं बताता हूँ, तो लिखो 49/48 ठीक है जी सबका, 97/240 बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, थैंक यू, क्लैप फॉर हिम, पहली बार में से ठीक किया बिल्कुल। ठीक है जी, कोई अच्छा यहां तक तो फिर भी समाओ आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की हुई है। अब हम इसको एक स्टेप थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, प्रिज्यूमिंग की मान लो पेपर बहुत मुश्किल आ जाता है तो क्या करेंगे। तो हमने क्या किया जी, मान लीजिए ये हमारा बैग नंबर 1 है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को बोला हुआ है सर जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ जाए
तो भी हम आपको 95 प्लस ला के दिखाएंगे। अच्छी बात है, अगर ऐसी स्पिरिट है तो सबकी होनी चाहिए स्पिरिट। तो अगर मान लो बहुत मुश्किल भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, केवल एंड केवल वो थोड़ा सा उसको लेंथी कर देता है, दो की जगह चार कॉन्सेप्ट ऐड कर देता है, तो क्वेश्चन वही रहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना जी, वो कह रहे बैग वन में हमारे रेड बॉल है 6 और ब्लू बॉल्स हैं 7, बैग नंबर 2 में रेड बॉल्स हैं 8, ब्लू है 5, 2 बॉल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, 2 बॉल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, afterward a ball is drawn from bag number 2, afterward a ball is drawn from bag number 2, find probability it would be a red ball। हमने पहले बैग से दूसरे बैग में एक की जगह दो बॉल उठा के ट्रांसफर कर दी, पहले बैग से हाथ मार के दो बॉल निकाली, सेकेंड बैग में डाल दी, अब सेकेंड बैग से हमने एक बॉल निकाली है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो रेड होगा? कौन करेगा इस क्वेश्चन को? श्रुति आ जाओ, आप करोगे? नेक्स्ट वाला आपसे करवाएंगे, अब तो उसने बोल दिया तो पहले उसको करवा देते। करो, स्टार्ट करो सर, सी इज एक्सप्लेनिंग यू। इसको रब कर लो, इसको रब करोगे तो स्पेस बन जाएगा ना। इसमें हमारे पास पॉसिबल शिफ्टिंग्स हैं 6, 1, 13, एक रेड शिफ्ट हुई और आवाज क्लियर हो रही है? मास्क आई थिंक रिमूव करना पड़ेगा, आवाज थोड़ा सा। फर्स्ट बॉल दैट वी शिफ्टेड वाज रेड एंड द नेक्स्ट वन वाज ब्लू, तो ये हो जाएंगे, बट 12 बॉल्स बचेंगी, तो बैग वन में से ये शिफ्ट हुआ। ऐसे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे पास, फर्स्ट ब्लू एंड सेकेंड ब्लू, फर्स्ट रेड, अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर सब कुछ क्लियर है तो इट इज ओके। फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लू एंड सिमिलरली फर्स्ट रेड एंड सेकेंड अगेन रेड। अब हमें वी नीड रेड बॉल्स from the bag 2, first in the first one we had shifted 1 red and 1 blue, so isme plus 1 hua and isme plus 1 hua, this gives us 9 red 9 favorable ones and the total becomes 15. In this we had shifted both the red balls, so favorable becomes 10 and total was in this one we had shifted 1 blue and 1 red, so again this becomes into 9 by 15, and in this we had shifted both the blue ones, so the favorable becomes 8 by 15. On we need to add all these, which would give us
रेंज तक ठीक है, कोई बात नहीं। 534 अपॉन 1176 टैली। ठीक है जी, कितने लोगों को ठीक है गलत है? श्रुति ने ठीक किया या किसी को गलत लग रहा है? गलत है, चलो मैं करता हूँ बेटा। ठीक है, मैं करता हूँ बेटा। ठीक है, थैंक यू श्रुति, चलो अच्छी बात है। देखो जी, इसको हम बहुत सिंपलीफाई भी कर सकते थे, तो हम कैसे करते हैं देख लीजिए। अगर मेरा भी गलत हो तो बता देना सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार मेरे को दोबारा बता दीजिए, बैग में बैग वन का बोलो जी क्या है? 6 red 7 blue। और बैग नंबर 2 है जी 8 और 5। मैंने आपको कहा जी, श्रुति जी ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा जी यहां से आपने 2 बॉल शिफ्ट की। जब आपने 2 बॉल शिफ्ट की, या तो वो दोनों रेड होंगी या तो वो एक रेड होगी एक ब्लू होगी, और या तो वो दोनों ब्लू होगी। मैं पहले केस पे आता हूं जी, दोनों रेड थी, दोनों रेड थी का मतलब क्या हो गया? आपने किया दोनों रेड थी, वी कैन से 6C2 7C0 13C2। इसका मतलब है यहां से 2 बॉल शिफ्ट होके यहां पे 2 आ गए। फर्स्ट बैग का कोई काम नहीं है, फर्स्ट बैग को उठा के हमने बाहर फेंक दिया। अब सेकंड बैग से मैंने एक बॉल निकाली है, व्हाट इज पॉसिबिलिटी वो रेड होगी? तो आप कहोगे जी 10/50। पहला केस ठीक है जी सबका। केस नंबर 2, मैंने यहां से बॉल शिफ्ट की, एक रेड थी एक ब्लू थी, 6 में से 1 आएगी 7 में से 1 आएगी 13C2। इसका मतलब ये हो गया जी, हमने यहां से एक बॉल रिमूव कर दी, रेड 6 थी, यहां से एक रिमूव कर दी, यहां से एक रिमूव कर दी, और यहां पे भी एक बॉल आ जाएगी, तो यहां पे आ गई जी 8 की जगह 1, और यहां आ गई 5+1 6। तो सेकंड बैग से मैंने बॉल निकाली, वो रेड थी 9/15। व्हाट इज द थर्ड केस? जब मैंने बॉल शिफ्ट की तो 6 में से 0 7 में से 2 13C2। यहां से जो 2 बॉल कम हुई थी यहां आ गई, यहां पे मेरी बॉल्स केवल एंड केवल 8 ही हैं। अब मैंने सेकंड बैग से बॉल निकाली तो क्या हो जाएगी जी 8/15। दीज आर द 3 केसेस। अब हमने इसको क्या किया जी, सॉल्व करेंगे। अब एक मिनट रुकते हैं बेटा। तो 6C2 का मतलब है 15, 7C01 ये हो गया 10, 13C2 होते जी हमारा 78×15। ऐसे तीनों केसेस को ऐड करेंगे तो मेरा ख्याल कैलकुलेशन में कह नहीं सकता, श्रुति का मुझे थोड़ा समझ आ गया। बता दिया इसने कहा गलती थी? चलो ठीक है, ठीक बता दिया सर आपने, मैं भाई बताने वाला था आपने बता दिया। तो बिल्कुल इन तीनों, मेरा तो गलत नहीं है सर, किसी को लगते नहीं रहा, ठीक है। हाँ जी, एक ही बात है सर, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, तो कैलकुलेशन है वो। तो हमने क्या किया जी, दिस इज जो भी कितना आंसर आ रहा है, अच्छा नहीं किया, बस कैलकुलेट कर लीजिए इसको, जो भी आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। चांसेस बहुत कम होते हैं इतने बड़े क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर मान लो आता है तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि इस कॉन्सेप्ट को हम करेंगे कैसे। हमने केवल एंड केवल 2 बॉल्स को शिफ्ट किया, या तो दोनों रेड शिफ्ट हुई होंगी, या तो एक रेड एक ब्लू शिफ्ट हुई होगी, या दोनों ब्लू शिफ्ट होगी। तो रेड में रेड बढ़ती जाएगी, ब्लू में ब्लू बढ़ती जाएगी। सेकंड बैग से एक बॉल निकाला, वो रेड था। अब इसको हम बैग वाले को ही आगे लेके जाते हैं जी। ये वाले बैग के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बैग नंबर 1, रेड बॉल है 6 और ब्लू बॉल्स हैं 7। बैग नंबर 2 है जी, रेड बॉल है 8, ब्लू बॉल्स हैं 5।
ब्लू रेड मतलब एक रेड एक ब्लू मैंने लिख तो दिया, एक ही तो आएगा सर। हमने दो बोल सर, मैंने ये देखो दो पेन उठाए, एक रेड होगा एक ब्लू होगा। अब आप कह रहे हो जी दोबारा लिखो एक ब्लू होगा एक रेड होगा, वो थोड़ी हो सकता है, एक रेड होगा एक ब्लू होगा, हो गया एक ही बार आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना जी, वो कह रहे हैं ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ गेटिंग डबलेट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर वन। अदरवाइज फ्रॉम बैग नंबर टू, वो लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज फ्रॉम बैग नंबर टू, अगर हमारा डबलेट आएगा तो हम बॉल निकालेंगे पहले बैग से, नहीं आएगा तो दूसरे बैग से। वो कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल। देखो पहले आप लोग करो, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम बॉल वाली है, ये बैग वाली प्रॉब्लम है, तो बैग वाली कोई पहले करते हैं खत्म। जी इशारा करोगे, आप करोगे, आ जाओ ईशान भैया कह रहे हैं जी मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है। मेरी छुट्टी तो नहीं कर दो ना सर? अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छी बात है, इनिशिएटिव होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, गलत ठीक की कोई बात नहीं है, लेकिन वी शुड ट्राई, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है, हर चीज की कोशिश करना जरूरी है। अगर डबलेट आ गया तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। वैसा वो बैग कहां चले गए, कैसे नजर आएगा, बच्चों को कहां से क्या निकाल दिया, ये क्वेश्चन है सर। बैग ओपन है सर, बैग नंबर वन में 6 रेड है 7 ब्लू है, बैग नंबर टू में 8 रेड है 5 ब्लू है। वो कह रहे हैं जी आपने सबसे पहले पेयर ऑफ डाइस फेंका, अगर आपका डबलेट आएगा तो पहले बैग से बॉल निकालोगे, नहीं तो दूसरे बैग से निकालोगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी जो बॉल निकलेगी वो रेड होगी, यहां लिख लो। सर हमने डाइस फेंका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 1/6 है, तो अगर डबलेट आएगा तो बैग वन से निकालना है, तो बैग वन से निकालेंगे तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 6/13 प्लस, अगर डबलेट नहीं आया तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 8/13 1/6 × 6/13 प्लस 5/6 × 8/13 1/13 प्लस 1/6। ठीक है जी, ठीक किया हुआ गलत किया हुआ है, ठीक है ना? चलो आप सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन ठीक है। यस सर, एक्सप्लेन नहीं हो रहा, एक्सप्लेन भी तो करो कैसे आएगा। सर पहले डबलेट डाइस पेगा तो अगर डबलेट आ गया तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो थैंक यू जी, थैंक यू। देखो सर देयर आर टू बैग्स, तो अंडरस्टूड सी बात है, या तो हम पहले बैग से बॉल निकालेंगे या हम दूसरे बैग से निकालेंगे। अगर हमारा डबलेट आता है तो हम पहले बैग से बॉल निकालेंगे, डबलेट आने की प्रॉपर्टी क्या है जी 1/6, तो पहले बैग से बॉल निकलने की प्रॉपर्टी क्या है 1/6, एंड बॉल हमारी रेड निकलेगी कितना 6/13। या फिर दूसरे बैग से बॉल निकालेंगे, डबलेट नहीं आया तो दूसरे बैग से निकालेंगे और वो बॉल रेड होगी क्या दूसरे की, क्या कितने थी रेड 8/13। तो हमने किया जी 6/78 प्लस 40/78 46/78 आ गया जी, आगे कैंसिल करके जो भी आ जाएगा 23/39
तो 23/39 इज द पॉसिबिलिटी, जो हमारा 99% केसेस में वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम प्रिज्यूम करते हैं कि मान लो बहुत मुश्किल पेपर आता है तो एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं। अब हमने बैग की संख्या बढ़ा दी जी, बैग नंबर 1 है, रेड बॉल थी 7, ब्लू बॉल थी 6, ये वाली बॉल थी 8, ये वाली बॉल थी 5, थर्ड वाला था जी ये वाली बॉल थी हमारी 9, ये वाली बॉल थी 4। हमने किया जी ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इफ डबलेट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 1, इफ ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 9 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 2, अदरवाइज फ्रॉम बैग नंबर 3। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आती हैं तो हम निकालेंगे बैग 3 से बॉल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमने पेयर ऑफ डाइस को फेंका, ये हम मान लो जब बहुत टफेस्ट लेवल होता है पेपर का तो ही कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, धीरे धीरे उसको थोड़ा और मुश्किल करते जाओ तो आगे बढ़ते जाते हैं। अब वो कह रहे जी अगर हमारा डबलेट आता है तो हम पहले बैग से बॉल निकालेंगे, अगर हमारा एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 9 आता है तो सेकंड बैग से निकालेंगे, इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है तो बॉल नंबर 3 से बॉल निकालेंगे। अब वो कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 3 एंड इट इज रेड। वट इज द पॉसिबिलिटी कि हमने 3 नंबर बैग से बॉल निकाली है और जो बॉल निकाली है वो रेड है। अगर किसी का इच्छा हो यहां के करने की तो आप आ सकते हो, आ जाओ अंजने भैया, आओ जल्दी करो, इधर भी मैडम ने हाथ उठाया था, अदिति वॉन्ट टू कम नेक्स्ट में, अच्छा कोई नहीं, अब तो उसने बोल दिया नेक्स्ट आपसे करवा लें। मैंने आपको क्या बोला सर, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा डबलेट आएगा तब तो फिर तो दोनों की मर्जी है, ये निकाले या बी निकाले उसकी मर्जी है, सी तो नहीं निकालेगा एटलीस्ट, थर्ड बैग से तो नहीं निकलेगी। उसने हमसे क्वेश्चन पूछे केवल व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बॉल थर्ड बैग से निकलेगी और वो हमारी क्या होगी, रेड होगी। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अदर साइड पे ले गए तो वह प्रजम्पशन है आपकी, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। वेरी गुड जी सर, माइक लेंगे, अपना नाम बताओ सर सबको। ये अंजने मित्तल फ्रॉम डीपीएस है, डीपीएस गुड़गांव सर। जी सर, रब करना है सर, नीचे कैसे आएगा? आ गया, नीचे आ गया, सबके नीचे, चलो यहां से स्टार्ट। So the probability of getting a doublet is 1 by 6 greater than equal to 9 अगर किसी को भी डाउट लगता है तो यू कैन रेज योर हैंड कि गलत हो रहा है, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इट इज ए मेट्रो प्राइड कि सब बच्चे खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, और जो इनिशिएटिव नहीं ले रहा है वो भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि यहाँ के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सो एटलीस्ट 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी है 10/36, सो थर्ड बैग से निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1-10/36 -1/-6/36
which would be 20 upon 36. गलत है, सब लोग गलत बोल रहे हैं। चलो कौन ठीक करेगा, आ जाओ फटाफट करो, आ जाओ सर, आ जाओ एक मिनट, आपके हाथ तो एक बार हो गया ना, आप आओगे सर, आ जाओ। अदिति ने भी पहले हाथ उठाया था, कोई नहीं बना, नेक्स्ट टाइम आप कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो कैसे कहां गलती कर दिया, आपको आते अच्छी तरह बट आप लिख नहीं पाए। नाम बताओ सर। अरहम गुप्ता। अरहम गुप्ता, वेरी गुड। सर सबसे पहले तो इसमें ये गलती थी कि 10 की जगह सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। बिल्कुल सही है, देखो आप बिल्कुल ठीक करो, एक मिनट में करता हूं, आप रुको यहीं पे, अगला क्वेश्चन आप करो। इसमें ना क्वेश्चन को इतने लंबे मेथड पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है कि डबलेट आएगा या एटलीस्ट टोटल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला, वो कह रहे जी अगर डबलेट आ गया तो पहले बैग से निकालेंगे, अगर एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 6 आ गया तो दूसरे बैग से, एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 9 आ गया तो दूसरे बैग से निकालेंगे। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि हम थर्ड बैग से निकालेंगे, इसका मतलब है ना तो डबलेट आएगा ना ही टोटल ऑफ 9 आएगा। सबसे पहले आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9, तो प्रोबेबिलिटी हम सी से निकालेंगे, डबलेट आने की प्रॉबिलिटी है 6/36, एटलीस्ट 9 आने की कितनी है, या तो 9 आ जाए या तो 10 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 12 आ जाए, कितनी होती है 10/36, ये होती है जी 10/36, और 2/36 कॉमन हो गया जी, डबलेट भी आएगा और ये भी आएगा, तो या तो डबलेट आएगा या तो टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 आएगा, ये हो गया जी 14/36, हम कह सकते हैं 7/18, ना तो डबलेट आएगा ना तो एटलीस्ट टोटल ऑफ 9 आएगा, ये हो गया जी कितना हो गया 11/18, 11/18 इज द पॉसिबिलिटी हम थर्ड बैग से बॉल निकालेंगे, 11/18 इज द पॉसिबिलिटी हम थर्ड बैग से बॉल निकालेंगे, और हमारी बॉल क्या होगी 9/13, वेरी गुड, 99/234, तो 19, ठीक है बेटा, 11/20, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, तो 99/234 इज द, बिल्कुल लंबे मेथड से नहीं करना अंजनी भैया, आपने सिर्फ उससे पूछा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बॉल थर्ड बैग से निकली, इसका मतलब है ना तो पहले बैग से निकली ना तो दूसरे बैग से निकली, ना तो हमारा टोटल एटलीस्ट 9 आया ना हमारा डबलेट आया, तो पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 नॉर ए डबलेट, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी थर्ड बैग से बॉल निकालेंगे एंड बॉल निकालेंगे वो रेड होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना होता है तो लंबे मेथड से वैसे भी नहीं करना। एक इस तरह का लास्ट कर देते हैं फिर हम अपना कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, बस इसके बाद करेंगे सर। बैग वन हमने किया रेड बॉल 7 और ब्लू बॉल 8, ये था जी रेड बॉल 9 और ब्लू बॉल हमारी आ गई जी 6। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, हमने क्या किया जी ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड थ्रोन आउट, आफ्टरवर्ड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज ए रेड बॉल। सबसे पहले आपने पहले बैग से एक बॉल उठाई, उठा के बाहर फेंक दी, खत्म काम उसका, उसके बाद अपने पहले बैग से एक बॉल निकाली, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ये रेड होगा, तो इसने अदिति ने दो बार बोला था आज बेटा ये वाला कर लो अगर कर सकते हो तो, किसी को कर लो, चलो ट्राई कर लो, आपने दो बार ही कोशिश किया, मैं बुला चुका था उसके, उसने बुलाया आपको,
हो गया जी आंसर, चलो बोलो हो गया सर, करोगे आ जाओ। एक्सप्लेन भी करना और समझाना सबको। सबसे पहले नाम बता दो अपना। ध्रुव। सबसे पहले हमें एक बॉल बैग वन से बाहर निकाल के फेंकनी है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो रेड होगी या ब्लू होगी। तो हमने अगर रेड बॉल बाहर निकाल के फेंकी तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/15। उसके बाद हमने जब इसी में से बॉल ड्रॉ करी तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/14, क्योंकि अब हमारे पास 14 बॉल्स बची है। सिमिलरली अगर वो ब्लू बॉल होती जो हमने बाहर फेंकी थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/15, और फिर हमने अगर रेड बॉल ड्रॉ करी होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/14। ठीक है जी सबका, वेरी गुड बेटा, ठीक है तो ऐड कर दो बस। थैंक यू जी, मैं कर दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद ना हमारे थोड़े से दो तीन ना बड़े एडवांस से कॉन्सेप्ट और रहते हैं, तो उसके बाद इसको करेंगे। और हमने पहले दिन ना थोड़ा सा कोरिलेशन का भी एक पार्ट छोड़ा था, तो उसके भी दो तीन क्वेश्चन और करने हैं। तो ब्रेक के बाद हम मिलते हैं जी 15 मिनट के बाद, मेरे ख्याल 5:15 तक, ठीक है 20 मिनट हो जाएंगे, तो 5:15 बजे हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी। देखो जी, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ द वर्ड कॉम्बिनेशन इज रिटन इन डिफरेंट वेज, find probability all vowels and all consonants are never together, सारे के सारे vowel और सारे के सारे consonants एक साथ नहीं आएंगे, हमें वो probability compute करनी है। If the word combination is written in different ways, find probability all the vowels and all the consonants are not together, सारे के सारे vowel, सारे के सारे consonants एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, that is required to be computed। ठीक है, अभी 5-7 मिनट में अगला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, let the people come। तब तक एक क्वेश्चन कोई भी, कौन पहले, अदिति बोली, आ जाओ बड़ा फटाफट आ जाओ, इन्हें 2-3 बार बोला मैं बुला ही नहीं पाया, जल्दी आ जाओ फटाफट। तो फाइंड प्रॉपर्टी ऑल द वॉवल्स एंड ऑल द कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। एक्सप्लेन भी करना है।
अदिति, पहले हम इसमें कॉन्सनेंट्स को प्लेस कर देंगे. 1, 2, 3. देख लो जी, इफ द वर्ड कॉम्बिनेशन इज रिटन इन डिफरेंट वेज, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑल द वोवल्स एंड ऑल द कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर. सबसे पहले हम n की वैल्यू कंप्यूट करते हैं. n क्या है? अगर मैं वर्ड लिखता हूं कॉम्बिनेशन, तो कितने वेज में लिखा जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 11. लेकिन हमारा क्या है जी, ओ दो बार ही है, आई दो बार ही है, एन भी दो बार ही है, और भी कुछ हो तो देख लीजिए. मेरे क्या मुझे यही नजर आ रहा है. ए का मतलब है सारे वोवल्स एंड सारे कंसोनेंट्स आर टुगेदर. तो मैंने सारे वोवल्स ओ आई ए आई ओ ये एक साथ लिख दिए, सी एम बी एन टी एन ये एक साथ लिख दिए, ऑल द वोवल्स एंड ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर. हमने किया जी वन इसको फैक्टोरियल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव अपॉन आई दो बारी ओ दो बारी. इसको करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6, इसमें हो गया जी हमारा n दो बारी. दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ r क्या होता है? a अपॉन n, डिनोमिनेटर कैंसिल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 11. तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा जी 2 × 120 फैक्टोरियल 6 एज इट इज, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6. और आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, 0 कैंसिल, 8 × 3 और 3 × 3, 9, ये हो जाएगा जी 1 अपॉन मेरे ख्याल 210. कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, ठीक है, 1 अपॉन 231, ठीक है. तो 1 अपॉन 231, दिस इज द प्रोबेबिलिटी सारे वोवल्स एंड सारे कंसोनेंट्स आर टुगेदर. पर मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल वोवल्स एंड ऑल कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर. तो हम क्या करेंगे जी, 1 − 1 upon 231, ये हो जाएगा 230 upon 231. कई बार पेपर चेकिंग में मैंने ये भी देखा है, आप 1 में से घटाना छोड़ देते हो. अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, सब कुछ मालूम है, घटाना छोड़ दिया, अल्टीमेटली क्या हुआ? सवा नंबर का लॉस हो गया. एक तो ये क्वेश्चन गया, जो अच्छा वाला ठीक किया था वो भी 0.25 चले गए. तो अगर उसने नोट बोला है तो पहले करके बाद में नेगेटिव का इफेक्ट देना है उसमें, ठीक है. तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट किया था, और पहले वाले कॉन्सेप्ट को हमने अपने प्रॉपर्टी पे उतारा. अब इस पहले कॉन्सेप्ट पे प्रोबेबिलिटी में हमारा होता है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो सेम वही बैग वाले क्वेश्चन होते हैं. वो कह रहे हैं जी मान लो हमारा बैग 1 है, रेड बॉल है 7 और ब्लू बॉल्स है मान लीजिए 8. हमारे को उसने ये बोला अगर हम रेड बॉल निकालते हैं तो 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अगर हम ब्लू बॉल निकालते हैं तो 10 रुपीज का लॉस होगा. वो कह रहे हैं फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम
इफ थ्री बॉल्स आर ड्रॉन, आपने तीन बॉल्स को निकाले, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम? और एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें भी आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कुछ है। तो पहले लॉजिक देख लीजिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम? आप इसको ऐसे सोच लीजिए, मान लो कोई शॉपकीपर है, आप उसके पास जाते हो, वो कहते हैं जी आप निकालो, अगर रेड बॉल निकालोगे आपको मैं दूंगा 20 रुपीज, अगर आपकी ब्लू बॉल निकले तो 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आपने पहली बार गेम खेली, दूसरी बार खेली, तीसरी बार खेली, चौथी बार खेली, जितनी बार ही गेम खेली आप देख लो जी, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम? इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैं दोबारा लिख लेता हूं जी, बैग की पोजीशन क्या है, रेड बॉल एक बार बोलना पड़ेगा सर, 7 और 8। वो कह रहे हैं जी रेड बॉल निकालते हो तो 20 रुपीज मिलेंगे, ब्लू बॉल निकालते हो तो 10 रुपीज देने पड़ेंगे। हमने तीन बॉल्स निकाली, आप करोगे? पहले मैं कर लूं सर, है ना, मेरी भी तो नौकरी चलनी चाहिए ना सर, फिर उसके बाद आप कर लेना। तो इसके बाद क्या हो गया जी, पहले रेड बॉल निकालेंगे तो क्या हो गया जी, 20 रुपए का प्रॉफिट, और ब्लू बॉल पे 10 रुपीज का लॉस है। तो हमारा क्या क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है तीन बॉल निकाली तीनों रेड थी, ऐसा भी हो सकता है दो रेड थी एक ब्लू थी, ऐसा भी हो सकता है एक रेड थी दो ब्लू थी, और ऐसा भी हो सकता है तीनों ब्लू थी। अगर इसके अलावा कुछ हो सकता हो तो आप बताओ। हमने तीन बॉल्स निकाली, ऐसा भी हो सकता है तीनों की तीनों रेड हो, ऐसा भी हो सकता है दो रेड एक ब्लू, एक रेड दो ब्लू, तीनों की तीनों ब्लू। अब देखो जी, मैंने मान लो तीनों रेड बॉल निकाली तो मेरे को 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अगर मैं रेड बॉल निकालता हूं मेरे को 20 रुपए मिलेंगे, मैंने तीनों की तीनों रेड निकाल दी तो मुझे 60 रुपीज मिलेंगे, अगर मैंने दो रेड निकाली तो 40 रुपीज मुझे मिलने चाहिए, लेकिन ब्लू बॉल पे 10 रुपए में हार भी जाऊंगा तो 40 माइनस 10 कितना हो गया जी, 30 रुपीज मुझे मिलेंगे। उसके बाद एक रेड है 20 रुपए मिलेंगे, दो ब्लू पे वही के वही 20 वापस हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा ना प्लस या माइनस, और अगर मैं तीनों ब्लू निकालता हूं तो नेचुरली मेरे को 30 रुपीज का लॉस होगा। अब हम निकालते हैं जी इनकी प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपने किया ये हमारा रेड है, मान लो जी या तो 60 रुपए मिलेंगे या 30 रुपीज मिलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट, और ये हमारा हो गया जी 30 रुपीज का लॉस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तीनों की तीनों बॉल रेड आएंगे, इसका मतलब है 7 में से 3 आनी चाहिए, 8 में से 0 आनी चाहिए, 15C3, टोटल 15 बॉल थी, 15 बॉल में से 3 निकलेंगी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी तीनों रेड होंगी, 7C3, और 7C3 को आप क्या करते हो जी, 7 को 3 बारी एक्सपेंड किया अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये हमारा आ जाएगा जी 35 अपॉन 15C3, 15 × 14 × 13 / 6, 35 × 13 455, 35 / 455, दिस इज द पॉसिबिलिटी कि हम लोग 60 रुपीज विन करेंगे। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आप देख लीजिए किसका कुछ और आ रहा हो तो ठीक है सर, ठीक है मेरा, चलो बहुत बढ़िया सर। दूसरा देख लो जी, दूसरा क्या है, वो कह रहे कि दो रेड आएंगी एक ब्लू आएगा, दो रेड का मतलब है 7 में से 2, 8 में से 1, 15 में से 3, 7C2 होते हैं जी 21, 8C1 होते हैं 8, 15C3 होते हैं 455, ये होते हैं जी 168 अपॉन 455, हमें करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होते हैं जी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा,
और इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो अब आपने क्या किया जी, मैंने जब तीन बॉल्स निकाली हैं, एक रेड होगी, सात में से एक, आठ में से दो, 15 में से 3, 7-7 हो गया 7, और 8C2 की वैल्यू होती है 28 अपॉन में 455, 28 into 7 हो गया जी 196 अपॉन 455। एक हमारा केस रह गया जी लॉस का, तो वो कह रहे जी लॉस होगा हमारे को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर तीनों की तीनों ब्लू निकलती हैं तो लॉस होगा, 7C0 8C3 अपॉन 15C3, 8C3 होते हैं 8 into 7 into 6, ये हो गया जी 56, और 15C3 हो गया जी 455, 56 अपॉन 455। तो आपने क्या किया सर, हमारा यहां लिख लीजिए जी व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसने थ्योरी में एक बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये वाली बात ठीक है या गलत है? एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन दोनों एक ही बात होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम मीन निकालते हैं तो दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, आइदर वी कॉल इट एक्सपेक्टेड वैल्यू और वी कॉल इट मीन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी क्या होगी जी, सिग्मा ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसके बाहर कोई केसेज हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया जी, आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, तो मल्टीप्लाई कर लो जी 60 into 35, कितना हो गया जी 60 into 35, 35 into 6, 210, 2100 अपॉन 455, और प्लस में 5040 अपॉन 455, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और माइनस 56 या 168, 1680 अपॉन 455, तो ये हो गया जी 7140 माइनस 1680 अपॉन 455। ₹1260 अपॉन 455 आ गया जी, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी जी ₹12। ठीक है, आप आराम से चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन अगर मेरी कहीं गलती है तो, अगर सब कुछ सबका ठीक आ रहा है 12 रुपए, चलो इसके बोले मेरा भी ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर है जी, आपको क्वेश्चन भी कर दिया आपने, क्लियर है। अब कभी कभी वो आपसे ये पूछता है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, वो कह रहे जी अगर आप गेम खेलते हो, वो आपको फ्री में गेम नहीं खिलवाएगा, वो आपको कहेगा जी अगर एक बॉल निकालोगे तो ₹5 उसके देने पड़ेंगे, तो क्या आपको ये वाली गेम खेलनी चाहिए? अगर आपने तीन बारी गेम खेली तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? ₹15। और हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? ₹12। ₹15 खर्च करके इनकम होने की उम्मीद है ₹12, तो क्या हमारे को ये गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए? नहीं खेलनी चाहिए। तो आजकल उसने ये सब चीजें पूछनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसको पता चल गया कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, हमारे इंस्टीट्यूट को मालूम हो गया आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उन्होंने अपने पैटर्न में अब नई नई चीजें ऐड कर दी। अब वो कह रहे जी पहले वो आपसे पूछते थे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम, आपने कहा जी ₹12, अब वो ऊपर क्वेश्चन देगा देर इज ए चार्जेज ऑफ ₹5 फॉर ईच ट्रायल, और आपने तीन बारी गेम खेली, तो बताओ क्या इस गेम को खेलने की वर्थ है, वेदर यू विल बी विनर और लूजर। तो इसमें ₹3 का हमारे को लॉस हो जाएगा, अगर हम ₹5 की टिकट खरीद के गेम खेलते हैं तो तीन बारी गेम खेलने के ₹15 देने पड़ेंगे, और ₹12 हमारे को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी ₹3 का लॉस माना जाएगा। तो आप आंसर में ये लिखोगे कि दिस गेम इज नॉट वर्थ टू बी प्लेड, अगर हम इस गेम में एंटर करते हैं तो हमारा ₹3 का लॉस होगा।
ठीक है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको वो आजकल ज्यादा उठाते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू तक आप निकाल लेते हो। अब उसने थोड़ी सी एक लाइन और आगे ऐड कर दी तो आपको लगता है जी ये तो हमने किया ही नहीं था, मालूम नहीं क्या होता है, तो कुछ भी नया नहीं है। तीन बारी गेम खेलेंगे, 15 रुपये चार्जेज हैं और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारा 12 रुपये का, तो 3 रुपये का हमारा एक्सपेक्टेड लॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इस गेम को खेलने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ये गेम खेलते हैं, ट्राई करते हैं, वी विल बी लूजर, हमारा 3 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब एक बिल्कुल छोटा सा नोट लिखो जी, व्हाट इज एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये भी काफी बच्चे गलत करते हैं जबकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो हम लिखेंगे जी व्हाट इज एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटी। एग्जॉस्टिव प्रॉबिलिटी क्या होती है? मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कहा था जी आप लिख लीजिए, इफ एनी ऑफ द इवेंट इज कंफर्म्ड टू बी हैपन्ड, इट मीन्स दिस इज ए एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लो तीन इवेंट है ए बी सी, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो सी जीतेगा, 100% केसेज हैं कि कोई ना कोई आदमी जरूर जीतेगा, तीनों आदमी हार जाएं ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो सी जीतेगा, कोई ना कोई आदमी जरूर जीतेगा। अब वो आपसे कभी कभी पूछते हैं क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, जैसे मैंने आज क्लास स्टार्ट की थी सबसे पहले आपसे पूछा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है या तो ए या तो बी 100% कंफर्म्ड है, कोई ना कोई जरूर जीतेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोनों हार जाए। अब हमने कहा जी मान लीजिए हमने क्वाइन टॉस किया, ए कह रहे हेड आएगा, बी कह रहे टेल आएगा, ऐसा हो सकता है दोनों हार जाए? नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता दोनों जीत जाए, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है ऐसी कोई भी इवेंट जिसपे दो आदमी दोनों एक साथ नहीं जीत सकते, और जिसपे दोनों एक साथ नहीं हार सकते वो होती है एग्जॉस्टिव। जिसमें दोनों क्वालिटीज मिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। आप स्कैनर में देखो ये क्वेश्चन 3 बारी पूछा हुआ है कि गेटिंग हेड एंड टेल, नीचे लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, आइदर ऑफ द टू है, बोथ ऑफ द टू है। अब उसमें क्या होता है, काफी बच्चे कहते हैं जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टिक लगा के आ जाते हैं, एग्जॉस्टिव को आप ध्यान भी नहीं देते हो एग्जॉस्टिव क्या चीज है। तो एग्जॉस्टिव भी है ये और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। जैसे आपको ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन दिया था कि जब तक डबलेट नहीं आएगा तब तक ए और बी गेम को खेलते रहेंगे, तो वो इवेंट क्या होगी? एग्जॉस्टिव। या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, गेम तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कोई ना कोई जीत ना जाए। तो इस तरह की इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी जी? आप एक चीज देख लो, लिखना शुरू करो जी क्वेश्चन। वो कह रहे हैं इफ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इफ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और हमारे को कंडीशन दी हुई है 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 4 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। वो कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। आ जाओ आदित्य जी, आ जाओ। तो आदित्य दोबारा कह रहे जी मैं ही करूंगा, तो आप करो भैया, आ जाओ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? अब एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो सी जीतेगा, 100% कंफर्म्ड है, कोई ना कोई तो जरूर जीतेगा। अब इस क्वेश्चन को समझाएंगे आदित्य भैया, आ जाओ जिधर आ जाओ, और गलत हो तो आप बता देना जी गलत है। अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इसका मतलब सर सबको बताओ, मेरा नाम आदित्य है, नाम भी बताओ ना सबको। अच्छा ठीक है,
माइजल आदित्य, अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वन होगा. इक्वल टू वन का मतलब है 100% चांसेज है या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो सी जीतेगा, तीनों में से कोई ना कोई जरूर जीतेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी जी, 100% पक्का हो गया. आगे देखो जी. अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की टर्म्स में ले आएंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है. नीचे कैसे हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू है 4/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है जी, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? फिर गायब हो गया. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 20 + 15 = 35, 40 = 47, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 15/47. बी की वैल्यू आ रही है जी सबकी 15/47. थैंक यू जी, क्लैप फॉर हिम. सारा क्वेश्चन ठीक किया इन्होंने. ठीक है, तो आगे देख लो जी. हम बिल्कुल एग्जॉस्टिव बहुत आसान होता है, और जब हमने क्लास में किया था तो एक दो बच्चों ने बोला जी एग्जॉस्टिव में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसलिए एक क्वेश्चन कर दिया. एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं जी. इफ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हमें दिया हुआ है 2 times probability of A, 3 times probability of B, 5 times probability of C, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू निकाल. कुछ नहीं करना होता, केवल मिला के दो स्टेप हैं, एक गिवन और एक जो हमें प्रूव करना है. गिवन का मतलब है तीनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि 100% पक्का है कोई ना कोई तो जरूर जीतेगा. तो हमने किया जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू होगी 1. मुझे वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की, हर चीज को मैं सी में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे को इक्वेशंस दी हुई हैं. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी जी हमारी 5/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. बी की वैल्यू हो जाएगी 5/3. बी की वैल्यू हो जाएगी 5/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. और ये हो गया जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन 1, क्योंकि नेचुरल डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1. हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया जी 6, 2 × 3, 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1. 15, 25, 31/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया जी? 1 के बराबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी जी? 6/31. जैसे आपने सी की निकाली है ऐसे ही बी की निकलेगी, ऐसे ही ए की निकलेगी. वो जो चीज आपसे पूछेगा वो आप कंप्यूट करके दैट्स ऑल. क्योंकि या तो वो कहेगा जी ए की निकालो या बी की निकालो या सी की निकालो.
अब हमारा इसमें जो एक और टेढ़ा कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें अभी भी बच्चों को डाउट है, क्योंकि अभी मैंने जो लेटेस्ट टेस्ट लिया है उसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आके फिर आप अटक जाते हो जी, आपने ये कैसे कर दिया जी, आप ये क्यों ले लेते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको दोबारा समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे पास ना आज फैक्ट है, ये एग्जाम्पल नहीं फैक्ट बता रहा हूं मॉर्निंग का। मेरे पास हमारा एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, उसका सवेरे फोन आया, वो रहता है करोलबाग एरिया में। तो वो कह रहे सर मैं लास्ट क्लास में भी अपने घर से निकला लेकिन दिवाली की वजह से इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, हमारे घर के आगे हमारे मार्केट में इतना रश है, मैं इवन मेट्रो तक भी नहीं पहुंच पाया, कोई कम्यूटिंग का साधन नहीं है क्योंकि वो मार्केट इतनी बड़ी है। अब कंडीशन क्या है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा, उसने आज मैं बोला अगर आज दिवाली की भीड़ नहीं होगी तो आज मैं पक्का आऊंगा, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन है ना। अगर हमारी ये कंडीशन नहीं होगी, आप मुझे क्या कहते हो जी, अगर सारे क्वेश्चन वही के वही आगे जो आपने हमें करवाए हुए हैं फिर तो हम बिल्कुल ठीक करेंगे, नहीं तो हमारे से गलती होने की कोई ना कोई संभावना भी हो जाएगी। मैंने आपको क्लास में बोला था, देखो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। पहले स्टूडेंट ये होते हैं कि अगर मैंने उनको 10,000 क्वेश्चन करवाए हैं वो 10,000 तो पक्के हैं, अगर 10,000 एकवा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो नहीं हो पाएगा जी हमारे से, क्योंकि आपने तो ये 10,000 करवाए थे, अब ये तो आपने कराया नहीं था इसलिए हो नहीं पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, उस कॉन्सेप्ट में बेस जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो आपने 100 क्वेश्चन करवाए, हम ऐसे ऐसे 1,000 और भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग तो वही हो, क्योंकि मैं तो आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन खुद करते हो। तो कंडीशनल होती हैं कुछ चीजें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो कंडीशनल को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, हमने पहली क्लास में किया था ए अपॉन बी। हम इसको रीड कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं जी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड B has happened. What is the possibility A जीत जाएगा? ये तो मुझे पक्का पता है कि B जीत चुका है। मैंने मान लो ये कहा था जी A के भी पूरे 100 नंबर आएंगे, B के भी पूरे 100 नंबर आएंगे। अब जैसे रिजल्ट आया मेरे पास B का फोन आ गया जी मेरे तो पूरे 100 नंबर आए हैं। What is the possibility A के भी 100 नंबर आएंगे क्योंकि B के तो आ चुके हैं। मतलब एक इवेंट हमारी हो चुकी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दूसरी इवेंट भी होगी, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, ये होगा ये नहीं होगा। देखो आपने कल कितने सारे क्वेश्चन किए, ए नहीं होगा प्रोवाइडेड बी नहीं हुआ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए होगा प्रोवाइडेड बी नहीं हुआ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए नहीं होगा प्रोवाइडेड बी हैज हैपेंड। जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो इवेंट हमारी हो चुकी है और जो न्यूमरेटर पे है मतलब वो इवेंट हमें कंप्यूट करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आप 12th क्लास में पढ़ते थे तो मैं आपको बताता हूं आप थोड़ा सा लंबा मेथड लगाते थे, अब हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं जी। टाइप नंबर 1 देख लीजिए क्वेश्चन की, ये आप लोग 12th में बहुत क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी 12th क्लास का ही है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन शायद है, थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया होगा तो पता नहीं। वो कह रहे जी इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देयर आर 3 प्लांट्स, प्लांट 1 प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द प्रोडक्शन, प्लांट 2 प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द प्रोडक्शन, प्लांट 3 प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द प्रोडक्शन। इस लाइन का मतलब है हमारी फैक्ट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है 30% प्रोडक्शन प्लांट 1 करती है, 30% प्रोडक्शन प्लांट 2 करती है और 40% प्रोडक्शन प्लांट सी करती है। अब उसने कंडीशन क्या दिया जी, डिफेक्टिव आइटम्स
are 1%, 2% and 4% respectively. पहली प्लांट जितना भी प्रोड्यूस करेगी उसका 1% आइटम डिफेक्टिव है, दूसरी प्लांट जितना भी प्रोड्यूस करेगी उसका 2% डिफेक्टिव है, थर्ड वाली प्लांट जितना भी करेगी उसका 4% डिफेक्टिव है। ये क्वेश्चन आप ट्वेल्थ में भी करते थे, आपको थोड़ा ध्यान होगा। अब वो कह रहे जी एन आइटम इज सिलेक्टेड एंड फाउंड डिफेक्टिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट वन, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टू, प्लांट थ्री। वो पूछ सकते हैं या तो प्लांट वन ने किया या तो प्लांट टू ने किया। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ये प्लांट थ्री ने प्रोड्यूस नहीं किया, किसी भी वे में कोई भी चीज पूछ सकता है। अब आप लोग ट्वेल्थ में क्या करते थे, बहुत लंबा लंबा वो कंडीशनल थ्योरम, बेस थ्योरम वगैरह लगाते थे। वो तो खैर फॉर्मूले मेरे को भी ज्यादा यूज टू नहीं हूं मैं फॉर्मूले लगाने के, तो आप इसका लॉजिक समझो, हम इसको लॉजिकली करेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो मैं इसको अच्छी तरह पूरा एक्सप्लेन करता हूं लॉजिक को, अगले क्वेश्चन से आप लोग करेंगे। आप करना चाहेंगे सर? फाइंड करना है, फाइंड प्रॉबर्टी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट वन, जो हमारा डिफेक्टिव आइटम है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट वन। सर जब आप सीए बन जाओगे ना तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है, अगर कोई चीज गलत होगी तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। मान लो जो प्लांट वन का इंचार्ज होगा, मैनेजमेंट कहेगी ना हाँ भैया कैसे खराब हो गया ये बताओ, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो प्लांट वन ने खराब किया है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो प्लांट टू ने किया है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अगर कोई काम गलत हो गया तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? तो वो कह रहे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट वन। अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको सॉल्व करता हूं अपने वाले तरीके से, फिर आप ट्वेल्थ वाले को तो भूल ही जाओ खैर, क्योंकि जैसे ट्वेल्थ को भूल गए हो, स्कूल को भूल गए हो, वैसे वो सारे मेथड भी भूल जाओ। अब आप सीए में हो तो सीए वाली चीजें देखो। आप में से बहुत सारे बच्चों को ट्वेल्थ वाला मेथड याद होगा जी, वो ए अपॉन बी, ई अपॉन वन, ई वन अपॉन ई टू वगैरह सब करते थे, वो सब करने का जरूरत नहीं है। आप इसका लॉजिक ये मानो, मैं इसको बिल्कुल अर्थमेटिक के तरीके से करता हूं। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बनती है, हमारी मान लो पंखे बनाने की फैक्ट्री है और हमने 10,000 पंखों की मैन्युफैक्चरिंग की, तो प्लांट वन ने कितने पंखे बनाए होंगे? 3,000। प्लांट टू ने कितने बनाए होंगे? 3,000। और प्लांट थ्री ने कितने बनाए होंगे? 4,000। प्लांट वन जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा उसका 1% आइटम डिफेक्टिव होता है, तो इसका मतलब टोटल 30 आइटम डिफेक्टिव ही होंगे। प्लांट टू जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा उसके 2% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, तो कितने डिफेक्टिव होंगे जी? 60। प्लांट थ्री जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा 4% आइटम डिफेक्टिव है, तो कितने डिफेक्टिव हो गए? 160। अब टोटल डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? 250। अब जो भी हमारे सुपरवाइजर थे, जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने एक आइटम उठाया, वो आइटम खराब था। अब उन्होंने कहा भैया ये खराब आइटम किसने बना दिया, कौन सी प्लांट में आपने ध्यान क्यों नहीं दिया खराब कैसे बन गया? तो बताओ वो वाला आइटम पहली प्लांट ने बनाया, सेकंड प्लांट ने बनाया या थर्ड प्लांट ने बनाया? आप देखो जी एन की वैल्यू कितनी है, टोटल आइटम है 250 जो खराब है, पहले वाली प्लांट के खराब कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी प्लांट वन ने खराब बनाया होगा 30/250, प्रोबेबिलिटी प्लांट टू ने खराब बनाया होगा 60/250, और प्लांट थ्री ने उसको खराब बनाया होगा 160/250। हम ये भी कह सकते हैं 3/25, ये भी कह सकते हैं 6/25, 16/25, क्योंकि आप जो ट्वेल्थ में करते थे वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, उस पर हम जान ही रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि एनसीईआरटी के अपने रूल्स हैं, अपने उनके स्टेप मार्किंग होती है, जो जो भी है आपके तो खैर मजे हो गए सबके, हुआ ही नहीं कुछ भी, तो उनकी अलग मार्किंग होती है। तो यहां पे आपको उनका कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यू हैव टू गो बाय लॉजिक।
अब आप बताओ जी, आपसे वो पूछेगा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो प्लांट वन ने बनाया, आपका आंसर आ गया 3/25। प्लांट वन ने नहीं बनाया 22/25। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्लांट टू ने बनाया 6/25। प्लांट टू ने नहीं बनाया, मान लो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, मैं कहूंगा भैया मेरा नहीं है ये, तो कितनी प्रॉबिलिटी है 19/25। प्लांट सी ने बनाया 16/25। प्लांट सी ने नहीं बनाया 9/25। वो कहेगा या तो वन ने बनाया या तो टू ने बनाया, या तो ए की गलती है या तो बी की गलती है, दो को ऐड कर लो, या तो बी की गलती है या तो सी की गलती है। तो आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि 12th में ये था, अगर एक नई चीज देगा तो फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर वो थर्ड क्वेश्चन बोलेगा तो एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, तो वो उस मेथड से आप लोग प्लीज नहीं करना, क्योंकि अभी भी कई लोग कहते थे जी 12th में हम ऐसे करवाते थे, भूल जाओ उसको सब, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर हम एक नंबर में करेंगे तो लॉजिकल नहीं है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा जी, अगर इसको नोट करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत सारे कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे जी ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज 3 प्लांट्स, प्रोड्यूसिंग इक्वल, तीनों की तीनों प्लांट्स बराबर बराबर प्रोडक्शन करती है, डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितनी है जी, डिफेक्टिव है पहली प्लांट की 2%, दूसरे की 3%, तीसरे की 5%। एन आइटम इज सिलेक्टेड एंड फाउंड डिफेक्टिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट नंबर 2। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ये वाला प्लांट नंबर 2 ने प्रोड्यूस नहीं किया, बहुत ही सिंपल है, इवन इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया, लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं, हो गया, वेरी गुड, देखो कितनी जल्दी हो भी गया। तो क्योंकि आप बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स जो मैं दे रहा हूं ना, टिप्स पे क्वेश्चन करेंगे तो 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और ठीक भी होंगे, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल बैलेंस रहेगा, जब लंबे लंबे फॉर्मूले लगाते हो तो माइंड भी हिल जाता है सारा, तो माइंड भी नहीं हिलेगा और गलतियां भी कम होंगी, छोटे छोटे मेथड से टिप्स से फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, हो गया जी सबका। चलो बताओगे आंसर क्या है? हाँ जी 7/10 कि उसको प्लांट 2 ने नहीं बनाया। चलो देखो, आप ना सीए फाइनल में भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पे ऐसे बनाते हैं जी, मान लीजिए ये तो हमारी इवेंट है, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैंने कोई आइटम उठाया वो प्लांट 1 ने बनाया होगा 1/3, प्लांट 2 ने बनाया होगा 1/3 और प्लांट 3 ने बनाया होगा 1/3, तीनों का बराबर बराबर है। व्हाट इज द डिफेक्टिव आइटम, पहले वाली का 2/100, तीसरे वाली का 3/100, चौथे वाली तीसरे वाली का 5/100। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट का मतलब है पहली प्लांट ने बनाया एंड डिफेक्टिव है, मतलब मैंने काम किया और गलत है, तभी तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी ना कि मैंने वो काम किया था गलत है, तभी तो मैं जिम्मेदार हूं, किसी और ने हमारे ये भाई साहब ने काम किया तो मेरी गलती थोड़ी मानेंगे उसको, मैंने काम किया और गलत हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो ज्वाइंट का मतलब होता है प्लांट 1 ने प्रोड्यूस किया और गलत है, तो कितना हो जाएगा जी 2/300, ये कितना हो जाएगा जी 3/300, ये कितना हो जाएगा जी 5/300, तो टोटल आइटम कितने डिफेक्टिव है 10/300, एन की वैल्यू होगी जी 10/300। व्हाट इज पॉसिबिलिटी वो प्लांट बी ने बनाया, हम कहेंगे जी 3/300, प्रॉबर्टी क्या हो जाएगी जी वही 3/10, 30% इज द पॉसिबिलिटी वो प्लांट बी ने बनाया है। और आपसे पूछा गया था व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वो प्लांट बी ने नहीं बनाया, तो आपका आंसर आ गया जी 7/10, 7/10 इज द पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट नंबर 2, इसलिए प्लांट नंबर 2 के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलत हुआ है तो जिससे गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा मैनेजमेंट में जाओगे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए तो कुछ तो हो ना लॉजिक, भाई कोई भी आदमी गलती करे किसी को भी उठा के रिस्पॉन्सिबल कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा, दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप ट्वेल्थ में लंबे मेथड से करते थे। वो कह रहे जी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इफ ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 9 अपीयर्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इफ ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 9 अपीयर्स। वो कह रहे कि ये तो हमें मालूम है, इन ए आगे लिख देते हैं जी, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, हमने एक पेयर ऑफ डाइस फेंका, हमें मालूम है कि हमारा जो टोटल है वो एटलीस्ट 9 आया है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी डबलेट आया होगा। तो ट्वेल्थ में आप करते थे जी, मान लो ए का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, मान लो बी का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 9, आप करोगे ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, वही सारे फॉर्मूले लगाते थे ए अपॉन बी वाले, यहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो हमें मालूम है हमारा जो टोटल आया वो कम से कम 9 आया, ये तो हमें मालूम है। अगर हमें मालूम है तो भैया क्या आया होगा, हमें मालूम है कि टोटल 9 आया होगा, एटलीस्ट 9, तो या तो 9 आया होगा या तो 10 आया होगा या तो 11 आया होगा या तो 12 आया होगा, ये तो मेरे को गिवन है कि एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 9 अपीयर्स। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू होगी 10। a की वैल्यू क्या होगी डबलेट की, एक यहां पे है और एक यहां पे, ए की वैल्यू होगी 2। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 1/5 इज द पॉसिबिलिटी कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इफ ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 अपीयर्स। तो ट्वेल्थ में जो आप फॉर्मूले लगाते थे प्लीज प्लीज उनको बिल्कुल दिमाग से निकाल के बाहर फेंको, और बिल्कुल शॉर्टकट जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे आपने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तभी हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो पाएंगे, नहीं तो लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम नंबर की एक्सपेक्ट कहां से करेंगे। ठीक है, नोट करना चाहो तो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं जी इस टाइप का। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 इफ डबलेट अपीयर्स। ये बात पक्की है कि हमारा डबलेट आया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हमारा टोटल 10 आया होगा, ये बात तो पक्की है कि हमारा डबलेट आया है। कोई करना चाहे तो आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तो कर रहा हूं, आप करोगे, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ। सबको अपना परिचय बताओ। हेलो आदित्य। आदित्य यस सर। आदित्य कल मैंने बताया था ना सॉफ्टवेयर कैसे खाते हैं, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे सॉफ्टवेयर पकड़ते हैं और शुरू आ जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, हमारे पास कंडीशन, हमारे पास जो भी नंबर आ सकते हैं वो ये है, आ सकते हैं या आए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं। हाँ तो ये बोल रहा ना कि ये हमारे को कंफर्म्ड है कि हमारा डबलेट आया, जब हमारा डबलेट आया तो क्या क्या आया होगा, या तो दोनों वन आए होंगे, या क्यों कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इट इज गिवन डबलेट इज अपीयर्ड, तो डबलेट हमारा आ चुका है। दो ही केसेस जिनमें एटलीस्ट 10 बताओ, जो
ठीक है जी, क्लियर है? वैसे यहां से इरेजर लो और इसको राउंड कर दो पूरा, कब बस मिट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल मैं करता हूँ। वो कह रहे जी हमने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया और ये हमारे को ऑलरेडी मालूम है, वी नो कि हमारा डबलेट आया। तो अगर डबलेट आया तो क्या क्या आया होगा? एन की वैल्यू है जी, या तो दोनों वन आए होंगे, या तो दोनों टू आए होंगे, या तो दोनों थ्री, या तो दोनों फोर, और या तो दोनों फाइव, या तो दोनों सिक्स आए। तो n की वैल्यू क्या है जी? टोटल सिक्स केसेस आए होंगे। व्हाट इज a? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कम से कम दस आया होगा, एटलीस्ट ए टोटल ऑफ टेन। या तो टेन आया होगा, या तो इलेवन आया होगा, या तो ट्वेल्व आया होगा। ये पूछा हुआ ना, एटलीस्ट ए टू, हाँ क्या पूछा हुआ है? अच्छा, टोटल ऑफ टेन। टोटल ऑफ टेन का मतलब है ओनली ये वाला केस आया होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी जी? वन। और प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी जी? a अपॉन n, वी कैन से 1/6। तो अगर आप लंबे मेथड से करोगे, मान लो a का मतलब है डबलेट आएगा, मान लो b का मतलब है टोटल ऑफ 10 आएगा, और फिर a अपॉन b, b अपॉन a, कॉमन इवेंट क्या होंगी, यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आपको डेफिनेटली टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो वो टाइम ज्यादा ना लगे उसके लिए आपको इस शॉर्टकट मेथड से कोशिश करनी। और देखो जी एक क्वेश्चन, फिर हम कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहे जी इफ द वर्ड अच्छा ये तो सब हो चुके हैं, इनको दोबारा दोबारा नहीं करते। तो आप ये देख लीजिए, थ्री डाइस आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ getting triplet if a total of at least 15 appears। हमारा कम से कम टोटल 15 आया है। What is the possibility triplet आया होगा? तो एटलीस्ट 15 का क्या मतलब है जी? या तो 15 आया होगा, या तो 16, या तो 17, या तो 18। आपको याद होगा मैंने आपको टेबल बनवाई थी 18, 17, 16, 15। तो हमने 18 की वैल्यू क्या निकाली थी? 1/216। यहां पे क्या था जी? पहले दो ऐड कर दिया, फिर तीन ऐड कर दिया, फिर चार ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया। आपको बार बार टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं है। तो 15 की प्रॉपर्टी क्या होती है? 10/216। 16 की क्या होती है? 6/216। 17 की क्या होती है? 3/216। वो कह रहे कि हमने तीन जब डाइस फेंके तो ये तो हमारे को गिवन है कि हमारा टोटल एटलीस्ट 15 आया है। एटलीस्ट 15 का मतलब है या तो 15 आया होगा, या तो 16, या तो 17, या तो 18। तो n की वैल्यू क्या होगी जी? 20/216। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ट्रिपलेट आया होगा? ट्रिपलेट कब आ सकते हैं जी? अगर तीनों पांच होंगे तो 15 के केस में आएगा, और तीनों सिक्स होंगे तो 18 के केस में आएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, n की वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि एटलीस्ट 15 आने के टोटल 20 केसेज आएंगे। और टेबल्स भी बनवाई हुई है आपको, और मैंने शॉर्टकट भी लिखवाया हुआ है कि आपको बार बार टेबल ना बनानी पड़े, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो पेपर में। तो आप उस टेबल के हिसाब से कंप्यूट कर सकते हो।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी, 2/20। अगर किसी को टेबल की प्रॉब्लम हो तो अभी क्लास के बाद पूछ भी लेना, मैं दोबारा से टेबल बना के दिखा दूंगा। तो टेबल बनाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप बार बार सोचोगे जी टोटल 15, टोटल 16, तो वो सब चीजें टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताई हुई है सारी कि 15 का क्या होगा, 16, 17, 18 कैसे कैसे करते जाएंगे। क्लियर है जी? चलो एक लास्ट करके और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। वो कह रहे जी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 इफ ट्रिपलेट अपीयर्स। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत छोटे होते हैं, जिसको लॉजिक समझ आ गया वो 10 सेकंड में कर देगा, और जो बड़े मेथड से करेगा तो इसको करने में कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे उसको। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बड़बड़ करते जाओ। वो कह रहे जी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 इफ ट्रिपलेट अपीयर्स। ये तो हमें पता है ट्रिपलेट आ चुका है, तो इसका मतलब क्या क्या आया होगा, या तो तीनों जगह 1, या तीनों जगह 2, या तीनों जगह 3, तीनों जगह 4, तीनों जगह 5, तीनों जगह 6। n की वैल्यू होगी जी 6। a की वैल्यू है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कम से कम 15 आया होगा, तो कम से कम 15 के कितने केस हैं, 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/3 इज द पॉसिबिलिटी कि कम से कम हमारा 15 आया होगा। तो कंडीशनल का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बेटर यू अप्लाई ऑल दी शॉर्टकट मेथड्स, क्योंकि लंबे मेथड से फिर वही होगा जी, इंटरसेक्शन निकालने हैं, यूनियन निकालने हैं, a/b करने हैं, b/a करना है, पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें, तो वो सब चीजें नहीं करने का है। बहुत आराम आराम से आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन करना है। एक ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ सर, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 नॉर ट्रिपलेट। ये शायद 2018 में आया हुआ है, तो आपको जब मैं दूसरे वाला स्कैनर दूंगा थोड़े दिनों में तो उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। 2017 तक क्या पहले कंप्लीट कर लो, फिर 18 से 21 तक का एक और देंगे आपको। मेरे ख्याल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी स्कैनर शुरू भी नहीं किया, मैंने पहले पूछा था वैसे तो क्यों नहीं किया, क्या रीजन्स है। स्कैनर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। स्कैनर का मतलब है इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज लिखते हैं, वो आपको समझ में आना जरूरी है। नहीं तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पेपर आता है, क्वेश्चन करना आता है, पर वो लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी वही समझ में नहीं आया लिखा क्या हुआ था। जब समझ ही नहीं आया लिखा क्या हुआ था तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए उस प्रॉब्लम से निजात तभी मिलेगी जब उनकी लैंग्वेज पढ़ के देखोगे। करो जी किसका हो गया। अच्छा कल ना आपकी लॉ की क्लास तो नहीं हो पाएगी, मैंने बताया था कुछ कारण है, मैडम को कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इंग्लिश की कल क्लास होगी 3 से 5 बजे तक रेणुका मैम की। तो अब वो वैसे जूम पे क्लास करते हैं, तो कल मैम आए भी थे, काफी बच्चे यहाँ थे, मिले भी थे काफी बच्चे उनसे, तो सी एज अग्रीड कि मैं 3 बजे आके कर दूंगी, बल्कि अच्छा है सब लोगों को फेस टू फेस करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब बच्चे अपना कल 3 to 5 इंग्लिश की क्लास होगी। हाँ जी इको की क्लास कल रखी हुई है 3 to 5 में। अच्छा चलो मैं अभी थोड़ा कंफर्म, बोलो सर। इनकी ना MWF में ना इको की क्लास होती है, जूम क्लास होती है 4 से 6:30 में, 4 से 6:30 है ना, 4:30 से 6:30।
चलो सचिन सर को मैं बोल दूंगा कल नहीं करेंगे, कल आप मैडम की कर लो, क्योंकि मैम बेचारे इतनी दूर से आएंगे अब वापस करना ठीक नहीं है, तो कल सचिन सर को मैं बोल दूंगा, तो इंस्टेड ऑफ टुमारो वो किसी और दिन एडजस्ट कर देंगे आपकी, ठीक है। तो कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी और इकोनॉमिक्स की फिर किसी और दिन एडजस्ट करवा देंगे, ठीक है जी। अब इस टॉपिक पर कुछ डाउट नहीं ना, फिर फोन करके पूछोगे सर कल किस चीज की होगी, ऐसा नहीं है ना। चलो हाँ वो मैं कर लूंगा, वो छोड़ दो। तो देख लो जी हमारा क्वेश्चन देखे है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 नॉर ट्रिपलेट। अब हम आपको क्या कहते हैं, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखवाता हूं, वो लैंग्वेज बहुत आसान होती है। मैंने आपको कहा जी मान लो ए कह रहे हैं ट्रिपलेट आएगा, सपोज ए कह रहे जी इसको ए की फॉर्म में ऐसे लिखता हूं जैसे मैं लिखवाता हूं, मैं कहता हूं जी ए कह रहे ट्रिपलेट आएगा, बी कह रहे टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 आएगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ द टू। ये तो मतलब इसका, ए कह रहा था टोटल ऑफ 15 आएगा एटलीस्ट 15 और बी कह रहा था ट्रिपलेट आएगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ए या बी में से नहीं जीतेंगे। उसी चीज को इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 15 नॉट ट्रिपलेट ऑन थ्रो ऑफ थ्री डाइसिस। देखो जी किस किस का हो गया आंसर, बोलो फटाफट करो जरा, देर ही नहीं है इसमें। हाँ जी 8 by 9 ठीक है जी, सबका यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है सबका। सर 8 by 9 तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, आप देख लीजिए। आप देख लो जी ए कह रहे हैं एटलीस्ट 15, एटलीस्ट 15 का मतलब है या तो 15 आ जाए, या तो 16 आ जाए, या तो 17 आ जाए, और या तो 18 आ जाए। मैंने आपको अभी सारी लिख के बताई है, 15 की होती है 10/216, ये होती है जी हमारी 6/216, ये हमारी होती है 3/216, और ये हमारी होती है 1/216, तो टोटल होती है जी 20/216 एटलीस्ट ए टोटल ऑफ 15। ट्रिपलेट की हमारी होती है जी 6/216, या तो ए या तो बी, इसमें से दो इवेंट ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, तीनों 5 आ जाए, तीनों 6 आ जाए। जी अंजना भैया कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ पूछना है क्या सर, ठीक है ना, ठीक है मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। अच्छा नहीं वो सर कुछ पूछ रहे हैं, मैं क्या पहले भी गलत तो नहीं है ना सर मेरा। अच्छा तो माइनस हो गया जी 2/216, तो टोटल हो गया जी 24/216 हो गया जी, या तो एटलीस्ट 15 आएगा और या तो हमारा ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट भी नहीं आएगा, एटलीस्ट 15 भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं जी 1-24/216, तो ये कितना आ गया सर 192/216। अब किसी ने 8/9 बोला था तो मुझे डाउट हुआ कि इतना तो नहीं आना चाहिए, यही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया जी, यही आ रहा है तो अच्छी बात है, तो रिड्यूस करके आ रहे हैं जी 8/9, तो ठीक हो गया जी। चलो अब देख लो जी बिल्कुल जनरल प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ना हम कॉम्बिनेशन को दोबारा से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और मैंने केवल एक ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया है, और हमारा जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो फिर अगली क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल जनरल प्रॉपर्टी के एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो देखो जी आप लिखने शुरू करो, ओड्स अगेंस्ट ए लूजिंग द गेम 3:8, odds against B winning the game 2:7, find probability at least one will win the game। Language ध्यान से पढ़ लेना सर, find probability at least one will win the game, what is the possibility कम से कम एक आदमी इस गेम को जीतेगा।
ओट्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ओट्स का कुछ नहीं मतलब होता। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मॉड्यूल में ओट्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी। इस सब को ना हम एक साथ पढ़ेंगे, अगेंस्ट ए लूजिंग। वो कह रहे जी ए हारेगा उसके अगेंस्ट, ए हारेगा उसके अगेंस्ट हो गया जी, ए जीतेगा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी 3/11, ए नहीं जीतेगा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी 8/11। अगला उसने कहा जी ओड्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट बी विनिंग, बी विन करेगा उसके अगेंस्ट, विनिंग के अगेंस्ट होता है जी लूज करना, इसका मतलब है बी लूज करेगा 2/9 और बी विन करेगा 7/9। अब उसने कहा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एट लीस्ट 1% विल विन। अब हम जीतेंगे कब, या तो दोनों में से कोई भी एक आदमी जीत जाए, मतलब मेरे देख लो जी 2% है, या तो ए जीत जाए बी हार जाए, ए हार जाए सॉरी ए जीत जाए बी हार जाए, या दोनों जीत जाए, तो इसका मतलब है मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। एट लीस्ट वन ऑफ देम विल विन, ये मेरा रैंडम है, अगर इसको कंडीशन को हो जाता है तो इसका मतलब क्या है जी मैं जीत जाऊंगा। मैं हारूंगा कब, अगर ये दोनों के दोनों आदमी हार जाते। तो हमने किया जी 1-, दोनों के दोनों हार जाएंगे, ए भी हार जाएगा एंड बी भी हार जाएगा, ये हो गया जी 1-16/99। देख लो आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, मैं कब कब जीतूंगा, या तो ए जीत जाए बी हार जाए, या ए हार जाए बी जीत जाए, या दोनों जीत जाए, तो इसका मतलब है मेरी लूजिंग कब होगी अगर दोनों ही हार जाते हैं। हमने कहा जी ए के भी सपोज आजकल रैंक कहानी बंद हो गई है, हमने कहा जी मान लो ए के भी 95+ नंबर आएंगे, बी के भी 95+ आएंगे, फिर मैं कह रहा हूं जी कम से कम एक के तो जरूरी आएंगे, तो चाहे ए के आ जाए चाहे बी के आ जाए चाहे दोनों के आ जाए, आई विल बी विनर। मेरी लूजिंग कब होगी अगर दोनों के दोनों 95 से कम नंबर लाते हैं, अगर दोनों के दोनों हार जाते हैं तो दैट इज माई लूजिंग। तो 1-, ये हमने कर दिया जी 16/99, ये हो जाएगा 83/99 इज द पॉसिबिलिटी एट लीस्ट वन विल विन, दोनों में से कम एक आदमी जरूर जीतेगा। किसी का गलत है तो बताओ, नहीं तो इसको थोड़ी सी लैंग्वेज उसने अलग भी लिखी हुई है। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो वो देख लो जी लैंग्वेज को कैसे लिखा है उसने। He says, A hits the target 4/9. B hits the target 3/10. Find probability at least target will be hit. मैंने आपको कल भी कहा था मैं ज्यादातर वही क्वेश्चन करता हूं जो पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं 2006 में 7 में 9 में 15 में, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा हो। ए हिट्स द टारगेट 4/9 का मतलब है ए किसी जगह पे हिट करेगा, मतलब कोई निशाना मारेगा तो सही जगह पे लगेगा, वो कितना होता है जी 4/9, और ए का निशाना चूक जाएगा 5/9, बी का निशाना लगेगा 3/10 और बी का निशाना चूक जाएगा 7/9। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टारगेट विल बी हिट। आपको यह टारगेट दिया गया जी, ए को भी कहा गया बी को भी कहा गया जी, इस टारगेट को आपने हिट करना है। मान लो केवल एंड केवल ए ने हिट कर दिया तो भी टारगेट हिट हो गया, केवल एंड केवल बी ने हिट कर दिया तो भी हिट हो गया, मान लो ए का निशाना भी लग गया बी का भी लग गया तो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी है। हम हारेंगे कब, अगर दोनों का निशाना चूक जाता है तो इसके लिए टारगेट हिट नहीं होगा। तो हम करते हैं जी 1-, ए का भी निशाना चूक जाएगा एंड बी का भी निशाना चूक जाएगा। हाँ जी
एक 5 बाय 9 इंटू एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूं. ए हिट्स द टारगेट 4 आउट ऑफ 9, बी हिट्स द टारगेट 3 है. तो ए के हारने की 5 बाय 9 और बी के हारने की ही बोल रहे हो क्या? चलो इसको 7 बाय 10 लिख दूं, ये कह रहे हो ना सर? चलो बहुत बढ़िया. अब ए का भी निशाना चूक जाएगा, बी का भी चूक जाएगा. 1 माइनस ए का निशाना 5 बाय 9, बी का निशाना 7 बाय 10. तो 1 माइनस 35 बटे में 90 हमारा हो जाएगा जी 55 अपॉन 90. हम बोलेंगे जी 11 अपॉन 18. 11 अपॉन 18 इज द पॉसिबिलिटी एटलीस्ट टारगेट विल बी हिट. आपके ना मैनुअल में क्वेश्चन है, जो आपको आईसीआई का मैनुअल मिला हुआ है, बुक मिली हुई है, और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है. आप थोड़ा सा देख लो, बस अपना पैक वैक कर लीजिए, भाई लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इस कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल मुझे ना डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. तो एक हम लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो आपके मतलब का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. आप सीए बन गए जी, कोई भी बच्चा है, मान लो आफ्टर बिकमिंग सीए. अब आप लोगों की ना इंटरव्यूज वगैरह कॉल आएंगी, प्लेसमेंट वगैरह के लिए आपको बुलाएंगे, तो वो कह रहे जी आप ए कंपनी में गए, प्रोबेबिलिटी आपको जॉब मिल जाएगी 3/4. आपकी बी कंपनी के लिए भी कॉल आई हुई है, प्रोबेबिलिटी वहां आपकी सिलेक्शन हो जाएगी 1/2. सी कंपनी के लिए भी आई हुई है, प्रोबेबिलिटी वहां आपको जॉब मिल जाएगी 2/3. अब आपको तीन जगह से कॉल आई हुई थी, और आप मंडे को मॉर्निंग में अपना आराम से चले गए, तीनों जगह इंटरव्यू देके आएंगे. अब आपकी मदर, आपके फादर सोच रहे कि आज कहीं ना कहीं तो जॉब इसको पक्का मिल ही जाएगी, क्योंकि तीन जगह पे इंटरव्यू देने गया, कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी. तो उसने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ही विल गेट द जॉब. आप प्रैक्टिकली देखो, जब तीन जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि आज तो तीन जगह से इंटरव्यू कॉल आई हुई है, कहीं ना कहीं तो आज जॉब मिली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एटलीस्ट ही विल गेट द जॉब. अब देखो जी, तीन कंपनी से कॉल आई है, या तो ए कंपनी वाले कह देंगे ठीक है जी आप आ जाना कल से हो गया काम, या बी कंपनी वाले भी कह सकते हैं, सी वाले भी कह सकते हैं. ऐसा हो सकता है कोई भी दो कंपनी वाले आपको पॉजिटिव बोल दे, ए ने भी कह दिया जी बहुत बढ़िया है, बी ने भी कह दिया, दोनों ने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया. तीनों कंपनी से भी मिल सकता है, लेकिन हम हारेंगे कब? अगर तीनों कंपनी वालों ने रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे जी, मान लो ए कंपनी वाले रिजेक्ट कर देंगे 1/4, बी वाले रिजेक्ट कर देंगे 1/2, सी वाले रिजेक्ट कर देंगे 1/3. तीनों ने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब क्या हो गया जी, हमको जॉब कोई नहीं मिली. हमारे घर वाले सोचे थे आज तीन कंपनी से कॉल आई है, कहीं ना कहीं तो जॉब पक्का लग जाएगी. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पहले हम निकालेंगे तीनों जगह से रिजेक्शन हो जाएगी. तो 1 माइनस 1/24, तो ये हो गया जी तीनों जगह से रिजेक्शन हो जाएगी. तो तीनों जगह से रिजेक्शन नहीं होगी तो आंसर क्या हो गया जी, 23/24 इज द पॉसिबिलिटी एटलीस्ट यू विल गेट ए जॉब. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आज के लिए, और फिर हम परसों मिलेंगे. और मैं ना परसों का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने काफी बच्चों को खुद ही बोला था बेसंग मत आना, परसों का चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो मिस मत करना उस क्लास को. थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट.